लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप जाइए, नेक्स्ट आप हैं। ओके मैडम। आप नहीं, वो दोनों। हाँ ठीक है। आपको डॉक्टर बुलाएंगे। बेटे यहाँ नए हो क्या? सर पूछा, नए काम पर आए हो क्या? हाँ सर। पढ़ाई क्या की है? बीएससी केमिस्ट्री। किस कॉलेज से? कॉलेज वो बात करो बेटा, कोई जरूरी कॉल होगा। हेलो। ए तू आया क्यों नहीं? एक अरे काम पे आया हूँ। क्या काम पे आया है? इतने दिनों तक तू मेरे साथ घूम रहा था और अब काम पे जाएगा तो कैसे चलेगा? मैंने बताया था ना मेरा इंटरव्यू है। बस इंटरव्यू पे जाता, कभी काम पे नहीं जाता तू। एक आज मेरा फर्स्ट डे है। अरे वो सब छोड़, मैं ना खंबा लेकर आया हूँ। तू क्या फर्स्ट डे बोल रहा है? एक पैक तो पीकर जा, आ जा। सुबह सुबह पीने की बात कर तू लाइन पर है कि नहीं है? सुबह सुबह ये क्या? क्या सुबह सुबह? आज से पहले तूने क्या कभी सुबह पीनी है? ज्यादा नखरे मत दिखा। अरे ये फोन है वॉकी टॉकी, सबको सुनाई दे रहा सब कुछ। सर उस कॉलेज का नाम? हॉस्पिटल जैसी जगह पे आओगे तो मोबाइल को साइलेंट पर रखना चाहिए। ये दबाओगे तो साइलेंट हो जाएगा और ऐसे दबाओगे तो वाइब्रेशन पर। हेलो, ये क्लिनिक है, फोन साइलेंट पे रखिए। सर सॉरी मैडम। हेलो। अच्छा एक बात तो सुन। क्लिनिक पे हूँ, बाद में बात करता हूँ। अरे सुन, बात तो सुन। अरे क्या है? काम पे जा रहा है तू? तो और क्या कर रहा हूँ? अरे यार तो बहुत जल्द सूर्यवंशम का सेकंड हाफ का अमिताभ बच्चन बन जाएगा, लेकिन उन लोगों से दूर रहना, नहीं तो वो लोग तुम्हें सुबह सुबह पिला देंगे, समझा? तू बहुत शरीफ है भाई, लेकिन तेरे दोस्त शरीफ नहीं है, बेवजह उन लोगों की वजह से तेरा नाम खराब होता है। ठीक है, थैंक्स यार, मैं शाम को आके बात करता हूं। सुन सुन सुन, अरे दोस्त, अरे अब क्या है? क्या बोलना था, भूल गया यार। अच्छा हाँ, रूम की चाबी। कौन सी चाबी? अरे राम की, मेरे रूम की यार। मैं क्लिनिक पे आया हूं, अभी नहीं दे सकता। अरे बात समझ भाई, बहुत अर्जेंट है, जल्दी आके देना। अरे आजा भाई। कहा ना मुझे काम है, अभी नहीं आ सकता मैं। अरे मामला सेट किया यार। क्या भाई साइलेंट हो गया तू? तू भी आ रहा है क्या? फैमिली के साथ आया क्या? फैमिली नहीं, तितली है मैं। बहुत दिनों से फॉलो कर रहा था, इजीली फट गई यार। ये चाबी देना, ये लाइफ ऑफ माय फिल्म है। अच्छा तू बता किधर है, मैं वहीं आ जाता हूं। मैं डॉक्टर सुब्रमण्यम के क्लिनिक पे हूं। अरे पास में है तो आके ले लूंगा। एक तो फोन कर। अच्छा फिर देख रही हो, ऐसे लोग जिंदगी में कैसे आगे बढ़ेंगे? मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है? चलो चलते हैं। चलो इस तरफ से चलो। ए सतीश, ए सतीश। एक्सक्यूज मी गाइस, मैं हूं करी, मेरे बाप का नाम है वड़ा। आप सोच रहे होंगे अपने बाप का नाम क्यों बता रहा हूं। मेरे एरिया में मेरा नाम मेरे बाप से जोड़कर वड़ा करी बुलाते हैं। कसम से कह रहा हूं, ये नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाता होगा। खैर ये सब छोड़िए, पिक्चर देखिए, एंजॉय कीजिए और इंटरवल में जाकर वड़ा करी जरूर खा लीजिएगा। ऑल द बेस्ट। इसने ही फोन पे रूम की चाबी मांगी होगी। सतीश एकदम मस्त दिख रहा है, पाउडर लगाया हुआ पावर स्टार लग रहा है तू तो। यार सब लोग मुझे ही देख रहे हैं, तूने मेरी बहुत तारीफ की क्या? हेलो हेलो, क्लिनिक पहुंच गया क्या? हाँ पहुंच गया सर। ठीक है, तुम्हारा पहला दिन है, कोई प्रॉब्लम मत करना, ठीक से काम करना। अकेला भेजा मैंने। ओके सर। फिर से याद दिला रहा हूँ, ठीक से काम करना। हाँ। और क्लिनिक जाने के बाद सारी रिपोर्ट दे देना। ठीक है सर, ओके, मैं शाम को चेक कर लूंगा। रखता हूँ सर। तो इसी फोन से बात कर रहा था क्या मुझसे? अरे अर्जेंट है यार, एक मामला सेट किया मैंने। फैमिली के साथ आए क्या? अरे फैमिली नहीं, तितली है यार। बदनाम कर दिया तूने मुझे, इस फोन को उठा के फेंक दे। आजा आजा। QMGR की मौत पे दुखी हो गया? भगवान कभी मरता है क्या? वो भगवान की तरह है, कई परिवार का चुलौन की वजह से चल रहा है। मैं उनको बहुत मानता हूँ, रिक्शा वाला फिल्म में मेरे पिताजी उनके साथ काम। ठीक है भैया। ठीक है, अब क्या हुआ, कम तो नहीं होंगे? सब्जी बेच रहा है या मटन बेच रहा है, समझ में नहीं आता कि भाव बढ़ा कर रख दिए। सुनिए 55 रुपए दीजिए सब्जी के लिए। भाई को दिया है ना, ए तू दे दे। थैंक यू सर।
ये न्यू वन है सर। सर ये नया इंट्रोड्यूस किया है। अरे इस फोन को तू साइलेंट पे नहीं कर सकता क्या? बात कर सर। हेलो। ए किधर है तू? मैं गोपी क्लिनिक में हूँ यार। उसके पास कोई पेशेंट नहीं जाता, अकेला बैठ के मक्खी मारता है वो। ये क्या कह रहा तू? डॉक्टर गोपी के बारे में बोल रहा हूँ। एक नंबर का फ्रॉड है वो, एक नंबर का चोर। रेट पड़ता है तो वहाँ से भाग जाता है। एक नंबर का कंजूस है। अरे मेरे फ्रेंड के घर के पास ही रहता है, पांच पैसे का कमीशन नहीं देगा। एक नंबर का हल्का टाइम। अरे गोपी सर सामने। अबे उसको सर बोल रहा है, आस पास थर्मामीटर हो ना तो उसके सर पे फोड़ दे। सॉरी सर, सर इसका फोन है सर। भैया ए बाथरूम में भूल गया था, इसे रख ले, भाभी से छिपा कर रखना। हाँ कैसा डब्बा फोन रखता है तू भी, बड़े बड़े डॉक्टर से मिलने जाता है। अरे अच्छा फोन खरीद लेना। ऐसे क्या घूर रहा है? उस दिन मुझे बदनाम कर दिया, उस नर्स की बात सुन के मन कर रहा था सुसाइड कर लूं। अबे तेरे इस फोन के चक्कर में मैं किसी दिन मर ना जाऊं तो उसे कोई सीक्रेट बात नहीं कर पाता। इट्स अ पैथेटिक का पेंसुलिन। अरे बहुत सारे कमिटमेंट है, कमिटमेंट सबके पास है यार, मेरे पास नहीं है क्या? आजकल की लड़कियां सिर्फ ऊपरी पहनावा देखकर ही पड़ती हैं, समझा क्या? अच्छा फोन रखेगा ना तो लड़की पड़ जाएगी। अच्छा ये बता टाइम क्या हुआ? 5:27। ऐसे बोल रहे जैसे पैसे मांग लिए। 5:27। अच्छा उधर देख, उधर कहाँ है ये? एकदम विलन जैसा लग रहा है। एरिया में बहुत दिनों से एक लड़की को पटाने की कोशिश कर रहा है। लड़की सुपर है यार, मस्त। तेरे एरिया में भी ऐसी लड़कियां हैं? उसे देखेगा तो पागल हो जाएगा। उसका बाप टीटीआर है, माँ हाउसवाइफ, एक सॉलिड भाई है और एक सॉलिड घर है, पक्का सेटल्ड। अरे वो जो नीचे रहती है नलनी, अरे मुझे छोड़ना, वो दोनों एक ही ऑफिस में काम करती है और दोनों एक साथ ही जाती है। नाम है नवीता, अच्छा नाम है ना? लड़की को तो बताया नहीं नाम, अच्छा अच्छा कहे जा रहा है। अरे रुकना आती होगी, देख ले। खूबसूरत है ये आदमी ना, इसके पीछे बहुत दिनों से पड़ा हुआ। अभी देखना फोन पे कैसे बात करेगा। क्या मर्सिडीज? हाँ उसके लिए डील करवा दी है मैंने। हाँ जितनी भी गाड़ियां हैं सब मैं ही डील करता हूँ। देखा उसको, अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझ रहा है। जानता है 10 साल की बेटी है उसकी, हो सकता है इसके नाती पोते भी हो। क्या कहा 10 साल की बेटी है? फोन पे ऐसी बात कर रहा है, कोई कॉल नहीं है। इस कल्लू को तो कोई लड़की घास तक नहीं डालेगी। देख रहा है उसने हाथ में कैसे फोन पकड़ रखा है, ऐसा लग रहा है जैसे हीरे जड़े हों उसमें। एक अच्छा फोन खरीद ले यार, ईएमआई पे मिल जाती है, महीने का सिर्फ 2,500 रुपए। चल आज दिलाता हूँ। मेरे हाथ में सिर्फ 14,000 आते हैं, उसमें से बाइक की किस्त, पेट्रोल और तुम लोगों की ट्रीट, हर महीने घर भी पैसे देने होते हैं ना। अच्छा फोन कहाँ से खरीद लूँ? अरे तो 6,000-7,000 का खरीद ले, महीने का 600 नहीं भर पाएगा। अच्छा फोन होगा तो तेरे लिए अच्छा है भाई, अगले महीने एक बढ़िया फोन खरीद के ना उसकी दिखाते वाट लगाते हैं इसकी। कैसा लग रहा हूँ मैं? अच्छा लग रहा है, अच्छा है यार, सच कह रहा हूँ तुझ पे बहुत अच्छा लगेगा। ये भी ट्राई करूँ क्या? हाँ मैनेजर। हाँ दया अच्छा लग रहा है, तेरा फोन आ रहा है यार, बात कर। अरे यार मैनेजर का फोन है, मैं नहीं बात करूंगा। तू बात नहीं करेगा तो वो गलत समझेगा, समझा कर, फोन उठा ले उसका, बात कर। अरे फोन कट करना, पीछे पड़ गया। ए भाई 18 मिस्ड कॉल है, उनको बोल के तू रिसेप्शन में है। अरे फिर से उनका फोन आ रहा, बात कर बात कर। कहाँ फंसा लिया? हेलो क्या हुआ, फोन कर रहा हूँ तो उठा क्यों नहीं रहा? जो पैसे लिए वो शादी में खर्च कर दिए क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। मैं कुछ नहीं जानता दयाल, ऑफिस में एमडी ने मुझे बुलाकर पूछा तो मैंने तेरा नाम बता दिया। 1 वीक का टाइम दिया है, उसके पहले पैसे वापस दे देना या दवा दे देना। अगर वापस तू फालतू रीजन बताएगा तो ऑफिस से तुझ पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद मुझ पर नाराज मत होना। शादी के बाद तुझे हनीमून पे जाना है, जेल में जाना है, इसका फैसला तू खुद ही कर ले। सर मेरी क्या हो गया? जलील कर रहा है यार कि शादी में मैंने पैसे खर्च कर दिए। अरे छोड़ ना यार, शादी का बहुत सारा काम पड़ा है। मुझे तो गुस्सा आ रहा है। शंकर किधर है? अंदर ही होंगे भाई।
मैं रविशंकर से बात कर लूंगा, पहले इसको अंदर रख दे, चल जा। हेलो भाई, मैं अशोक बोल रहा हूँ। हाँ बोल भाई, गाड़ी फंस गई है। कौन से एरिया में? त्रिमूर्ति चौराहे पे। रविशंकर भाई का नाम लिया क्या? वो मुझसे पूछ रहा है कि ये कौन है, क्या फालतू की डींगे मारते रहते हो। इंस्पेक्टर का नाम क्या है? सुनो भाई, अगर मैं ज्यादा बात करूंगा ना तो मुझे ही उठाकर अंदर कर देगा। ठीक है मैं आता हूँ। ए गाड़ी निकाल। ए पगार पहले भैया को देना है। ये तो क्या बार बार भैया भैया करता है? पता है उन्होंने बचपन से मुझे पाला पोसा। क्या भाई फिल्म का सुनील शेट्टी है? नहीं मौरा के सुनील शेट्टी। हाँ वो पिक्चर तो नहीं भूलेगा। Hey, पुलिस है, अपने गॉगल्स पहना है, अमीर समझेंगे यार। hey, रुक 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 जा रुक जा रुक जा। गाड़ी साइड कर, गाड़ी साइड कर। पकड़े गए यार। सर hey, चोरी की गाड़ी है क्या? सर ये हमारी गाड़ी है सर। चाबी नहीं है? चाबी इधर है सर। hey, तो सयाना बन रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, इंस्पेक्टर राठौर इनके मामा है सर। और एसपी सूर्या इसके चाचा। लाइसेंस और आरसी बुक निकाल। लाइसेंस और आरसी बुक कौन से स्टेशन से? ये लीजिए। रेलवे स्टेशन से। आरसी बुक किधर है? आरसी बुक वो गाड़ी खरीदे 2 महीने हुए सर। 2 महीने हुए तो बिना आरसी बुक के गाड़ी चलाता फिरेगा? नहीं सर वो ऑफिस में जाकर लानी पड़ेगी। कहा तो मैं लाकर दे दूं? दिखा देंगे। ए घर का एड्रेस दे। तब से देख रहा तू बहुत जुबान चला रहा है। चल गाड़ी से उतर। किस एरिया से है? सर इसी एरिया में रहता है। ठीक से बात करनी भी नहीं आती तुम्हें? आता हूँ सर। चल पहले चाबी निकाल, कुछ नहीं सुनना है। पहले चाबी निकाल कर मुझे दे। मेडिकल रैप पहले कभी देखा नहीं? नया हूं ना। अपना लड़का है, छोड़ दिए सर। तू कौन है रे? नमस्ते सर। अब तो आ गया ना सर। कहाँ आया, मजाक कर रहा है। आपने लोगे सर फोन किया था, छोड़ दीजिए। लड़के हैं सर ने बोल दिया, चलो चलो निकलो। कौन है यार? चल चल जाकर हमें भागने के लिए बोल रहा है। चल 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 निकलते हैं। ए टेम्पो इधर आ। भाई नमस्ते भाई। तू ये यहाँ क्यों खड़ा है? अरे गाड़ी पकड़ लिया भाई। फिर वो लोग कौन थे, किसकी बात कर रहे हैं? अरे मुझे तो किस मिल जाता यार। सॉरी सर। तू भी ना। क्यों रे पिचू, आदमी बदल गया क्या? नहीं सर ये अपना आदमी है सर। ये सारी कहानी मैं नहीं सुनूंगा। सुनो इसे साइड में ले जाओ, इससे बात करो। चल आजा आजा आजा, उन सबको छोड़ दिया ना, अब तेरे से वसूलता हूँ। चल आजा आजा। बाय 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 बाय। चलना तो रुक क्यों गया? भाभी भैया कहाँ हैं? अंदर हैं। भैया पहले महीने की सैलरी। भगवान के सामने रखा है इसे? नहीं भैया आप लीजिए। ए तुझे पहली तनख्वाह मिली है ना, पहले भगवान के सामने रखे। अब वो सब छोड़िए, पहले आप लीजिए ना भैया। ए तू मेरी बात नहीं मानेगा, चल इधर आ, लिफाफा दे मुझे। हे भगवान आप इसे आशीर्वाद दीजिए। ए इधर आ तू, दिया जला दे। हे भगवान तूने मेरे भाई को सही रास्ता दिखाया। मैं तो ऑटो ड्राइवर बना रह जाऊंगा, लेकिन मेरा भाई इसी तरह हर महीने अच्छी तनख्वाह पाता रहे और आगे बढ़ता रहे, इसे आशीर्वाद दीजिए भगवान। ये पकड़, संभाल कर रख। भाड़ा, करंट बिल, ऑटो ड्यू, स्कूल फीस मुझसे मत पूछना। भाई हर महीने तनख्वाह लेकर आएगा, उससे ले लेना। ठीक है जी। हे हर महीने तनख्वाह भाभी को लाकर दे देना, मेरा इंतजार मत करना, समझ गए? ये लो 2000 रुपए हैं, संभाल कर खर्च करना। सात हजार बोला था, 2000 लेकर क्यों आया है? क्या 7000? तूने तो 5000 मांगे थे ना। हाँ 5000 फोन के, ट्रीट कौन देगा? ट्रीट किस बात के लिए? ट्रीट किस बात के लिए? ए विश्वनाथ तू ही समझा रहे। क्या यार तूने काम शुरू कर दिया, सैलरी भी मिल गई, बाइक भी खरीद लिया, अब पहले ट्रीट दे, फोन बाद में खरीदना। बराबर है यार, अगले महीने की सैलरी से फोन खरीद लेना। सबसे पहले मुझे नया फोन खरीदना। चल मुझे पैसे दे। हां चल चलते हैं, चल चलते हैं। ए तू पहले पैसे दे। मैंने पैसे नहीं दिया फोन। क्या कर रहे हो? सुनो रुक जा, मेरी बात सुनो। सुनना तुझे नया फोन चाहिए ना? मुझे अभी नया फोन चाहिए ना। हम फोन भी खरीदेंगे और ट्रीट भी लेंगे। वो कैसे? मेरे दोस्त की दुकान है यार। तो वहाँ बात बन जाएगी क्या? अरे बात तो सुन यार पूरी। ओके। मैं जो भी कहूँगा वो पक्का करेगा। सैलरी स्लिप लेकर आ, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट लेकर आ और 4 फोटो, उसके साथ रेशन कार्ड और फोटो आईडी, ये सब लेकर आ, काम करके देता हूँ। ये क्या कह रहा है यार तू? ए आजकल कोई भी मोबाइल मंथली ड्यू में नहीं खरीदता है, तू अपने फ्रेंड के साथ आया है इसलिए मैं ये सब तेरे लिए कर रहा हूँ। अरे यार तेरे ही भरोसे पे मैं अपने दोस्तों को लाया हूँ। इधर आ। यही भूलकर 3 महीने पहले एक मोबाइल लिया था, 2 महीने का ड्यू मैंने भरा है, तेरा फ्रेंड आया इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ। चुपचाप यहाँ से निकल।
ओके यार, सब अपने दोस्त हैं, समझा देंगे तो समझ जाएंगे। सुन यार, अभी सेटिंग नहीं हो पा रही है, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं ना, अगले महीने ले लेंगे। तू तो बोल रहा था मेरा फ्रेंड है, बात बन जाएगी, ऐसे फेंक रहा था क्या? क्रेडिट कार्ड है तेरे पास? हैं? किस बैंक का चाहिए? सुनो, क्रेडिट कार्ड स्वैप करके मोबाइल ले लो, हर महीने ड्यू भरते रहो, वेरी सिंपल। मैंने स्वैप कर लिया यार, पैन कार्ड इज सब्जेक्ट टू इंश्योरेंस यार। अरे यार देना यार, चल ना। स्वैप किया था, फुल हो गया यार। ये लीजिए सर, ये इंटरनेशनल कार्ड है यार, स्वैप नहीं होगा यहाँ पे। हेलो एक्सक्यूज मी, संभल कर कहीं काटना पड़ेगा। ठीक है, ये सही है। ये मोबाइल कहाँ से आया होगा? इसे बिना पैक के ले लें। अच्छा वो वाला पीस निकालो। हेलो, तुम्हारा नाम क्या है? करी कालन। नीचे पेरुमल लिखा है, स्पेलिंग मिस्टेक है, कार्ड एक्सपायर हो गया। सत्यानाश, तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारी तरह फ्रॉड है क्या? अरे शांत हो जाओ, मैं तुम लोग को यही बताने वाला था यार, लेकिन तुम लोग मेरी बात ही नहीं सुनते हो। क्या यार, शांत हो जाओ ना। अरे सर, मैं कैश देकर ही खरीद लेता हूँ, जरा वो आईफोन आईफोन ले यार, बहुत अच्छा है ये, वो वाला सर। एक मिनट, तुम्हारा बजट क्या है? 2000 रुपए सर। ए रुकना सर, 1000 रुपीज में कुछ अगर hey, चुप रह। 2000 ही कम है, 1000 कह रहे हो? सर आप देख लो ना, अगर कुछ ऑफर वगैरह में हो तो कुछ। 1000 रुपए में ये वाला फोन आएगा? लो, ऐसा फोन मैंने कहीं तो देखा। अभी देख लिया ना? हाँ है, इससे अच्छा पुराने ही रख ले। hey. अच्छा रुक जा भाई, कोई टच स्क्रीन वाला हो तो दिखाओ ना। है 1000 रुपए में टच स्क्रीन? 1500 होगा तो भी मैनेज कर लेंगे भाई, देखिए ना कहीं इधर उधर देखिए ना होगा कुछ। देखा ना क्या मिला क्या सर? ओह माय गॉड, सोलो किंग 360 GB, आईफोन को सिर्फ यही फोन मात दे सकता है। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ ना? एक मिनट कर दो। ड्यूअल सिम है? ड्यूअल सिम, दो सिम लगेंगे। इसके अलावा MP3 MP4 प्लेयर है, MP3 भी है, ब्लूटूथ FM रेडियो है, FM रेडियो भी है, इससे बढ़िया नहीं हो सकता। मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी भाई, हीरो की तरह गाना गाएगा तू। ये क्या है? फायर इंजन की आवाज आ रही है, पड़ोस में आग तो नहीं लग गई? क्या रात में परेशान कर रहा है, फोन साइलेंट में रखना। अच्छा यार, हाँ लेकर क्या? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हेलो भैया, पैसे? सर मैं ऑफिस जा रहा था, बस टाई बांध रहा था। अरे भाई मैं काम कर रहा हूँ, पार्सल बांध रहा हूँ, बार बार ऐसे क्यों बेल बजा रहे हो? हाँ ओ भाई, मैंने कोई बेल नहीं बजाया, सर का फोन बज रहा है, समझा क्या? क्या? फोन को साइलेंट में रखा करो ना। हाँ अभी रख दिया, परेशान कर दिया। सॉरी। हेलो, हाँ फिर कभी। ए, क्या बात है, नया फोन है क्या? हाँ जा, मुझे दिखाना। अरे जाना, कौन सी कंपनी का है मुझे दिखाना। अरे अरे देखने देना, अरे दिखाना। अरे अरे अरे, ये तो चाइना मोबाइल है, 500 का मोबाइल लेके इतना भाव खा रहा है। इतनी आवाज करके रखा है गया, मोबाइल में कोई इतनी आवाज रखता है क्या? अरे ये शुगर के लिए सर, और ये बीपी के लिए है सर। ओके ओके, मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था ना, ये वही है सर। ठीक है सर। ए राजेश, ए राजेश, ए राजेश, ए जरा अपना फोन दिखा यार, जल्दी कर लेना, ज्यादा बैलेंस नहीं है। ए ए, क्या अरे ऊपर आना। थैंक्स यार। देखो देखो, ये चाचा का फोन है। अरे ये चाचा का सेल फोन है, खाओ 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 खाओ। खा रही हो या फोन पास में लेकर आऊं? पास में आ रहा है, पास में आ रहा है, खाओ 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 खाओ, वरना फोन में रिंग बजेगी। कौन सा फोन खरीद के दिया? बिल्कुल तेरी शक्ल जैसा है। तो क्या 1000 रुपए में आईफोन मिलेगा क्या? क्या इसे बार बार ब्रांडेड चड्डी की तरह उठा के दिखा रहा है तू? दूर रख के देखना कितना अच्छा लग रहा है, एकदम स्टाइल मेकिंग। कैसे भी देखो भयानक ही लगता है। ये देखने का नजरिया है। आ गया कमीना, इसकी शक्ल देखता हूँ तो खाना नहीं मिलता मुझे। ये यहाँ क्या कर रहा है? बाल बना रहा है। हे काला कावा, अगर दोबारा इधर आया ना तो जान से मार दूंगा। मैंने बताया था ना, उस लड़की को पटाने इधर आया तो चल ना, उस काले कौवे को देख कर ना, मेरे मुंह से राइमिंग में गाली निकलती है। देख रहा है, जोकर की तरह बाल बना रहा है। हे भाग गई, देख रहा है। हे किसको देख रहा है बे? हंसी को देख रहा हूँ। क्या
अबे उसको मैंने पटाया, उसके साथ उसकी फ्रेंड है ना उसको पटा, आईफोन और चाइना मैच करना चाहता है क्या? देख कैसे देख भाई, इतना साउंड क्यों करते हो? फोन का साउंड थोड़ा कम नहीं कर सकते हो? बाद में बात करता हूं। फोन साइलेंट में नहीं रख सकता क्या? आग में डर जाए भाई, अचानक फोन आ जाए, इसे साइलेंट में कर। आपको चोट तो नहीं लगी? मार खाने वाला काम करता है। ए, दोनों व्हील सही है, जाना ठीक है, मैं निकलती हूं। व्हाई वेट यार, टुमारो वी हैव मीटिंग, यू नो वी वांट टू डिस्कस दैट यार। ठीक, वो कैसे देख रहा है तुझे? ए, तुझे कैसे पता चला? नाइस ना? बहुत दिनों से फॉलो कर रहा है, मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ आ जाता है, पर तुझे पता है उसने आज तक एक भी गलत शब्द नहीं कहा मुझसे। इज सो स्मार्ट ना? ओह नहीं नहीं नहीं, तू जैसा सोच रही वैसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस उसे पसंद करती हूँ। ठीक है, आजकल पापा के सीने में दर्द होता है, तुम्हारी नजर में कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है क्या? ए, वो मेडिकल रेप है ना, चल उसी से पूछते हैं। ए लता, हेलो मिस्टर करिकालन। हाँ बोलो लता। आप किसी स्पेशलिस्ट को जानते हैं क्या? मैं हार्ट तो नहीं, हार्टलेस डॉक्टर को जानता हूँ, लेकिन ये बहुत सारे लोगों को जानता है, ही इज मेडिकल रेप। मौका है, मौका है। एक नगर मेन रोड है ना माँ? हाँ, एक मिनट पेन पेपर दे जल्दी। एक मिनट, किसके लिए? इसके पापा के लिए। ओ, आपके फ्रेंड के पापा के लिए। आप नौघर रोड को जानती है? माधवन बाबा टीवी में घर बनाने की बात करता है ना, आप नहीं जानती है क्या? अच्छा, नवघर से सीधा 40 किलोमीटर जानेगा, लेफ्ट में केएल मोटर्स आएगा, वहाँ से 23 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो 473 नंबर की एक बिल्डिंग आएगी, उसके आगे एक दीवार आएगा, उस दीवार पे टक्कर मत मारना, उसके ठीक बगल में वो डॉक्टर रहता है, उसका नाम है कसाब कनन। नहीं, कमल 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 कनन, बहुत फेमस डॉक्टर है इंडिया में, नंबर 1। थैंक यू। कौन है कमल करण? अरे कमल करण और शाहरुख करण, हमसे क्या बता दिया ना, तो बैठना उस कौवे के साथ उसकी सेटिंग हो गई है ना, सही एड्रेस क्यों दे, जाके भटकने देना उसे, ये सब गलत है यार। तो क्या हरिश्चंद्र की दूसरी औलाद है क्या? राइट ऑफ दैट, ये ठीक नहीं है। बुजुर्गों ने कहा ना कि खेत का गधा और मार का जो रहा वही हो रहा है। अरे भाई तू किधर जा रहा? अरे यार मैंने गलती से बोल दिया, ऐसा जोक नहीं करूंगा दोबारा। बात तो सुन, अरे सुन तो, अरे कहां जा रहा? अरे सुन मेरी बात तो सुन। भाई सुनिए। क्या है? सुनिए, मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी, गाड़ी जरा साइड में लगाइए ना। क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरे फ्रेंड ने आपको नवघर जाने के लिए बोला था ना। हाँ। वो डॉक्टर इधर के नगर में भी है, उनकी मेन ब्रांच इधर ही है, यही बताने आया था। पर उन्होंने तो नवघर रोड बताया था। हाँ, नवघर में भी है, उधर भी रहते हैं, बट वो डॉक्टर अभी इधर आ गए हैं। आप पापा को लेकर जाएंगे तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना, और के नगर आपको पास में पड़ेगा। के नगर में कहाँ है? के नगर वो यहाँ से सीधा जाकर राइट लेने के बाद, ओहो अगर बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपके पीछे बैठकर वहाँ तक चल के बता दूँ? नहीं ऐसा सही होगा, ये गलत है, मैं आपको एड्रेस दे देता हूँ, ये लीजिए एड्रेस, ठीक है ना? ये आपको चाहिए होगा? हाँ, मुझे जरूरत नहीं, मुझे बाय हार्ट याद है। तो मैं वहाँ जाकर आपका रेफरेंस दे सकती हूँ? अरे मैं उतना फेमस नहीं हूँ, और एक खास बात यह है कि 10:30 को शॉप पहुँच जाना, उसके बाद जाओगी तो बहुत भीड़ होगी, ढंग से मिल नहीं पाएंगी, 10:30 जाओगी तो आराम से मिल पाओगी। आपके पापा बीमार है और आप उनको लेकर जा रही तो टाइम पे पहुँच जाना। बिल्कुल करेक्ट, 10:30 पहुँच जाना। थैंक यू। हाँ कल चले जाना। हाँ अरे बाप रे, क्या लड़की दिखते में बहुत खूबसूरत थी भैया, और वो आदमी जो जो उसके पीछे पड़ा था, उसकी शक्ल एकदम काले काले कौवे जैसी थी, मन कर रहा था कि उसका मुंह तोड़ दूं मैं। ए, इन लोगों से लड़कियां फंस कैसे जाती भैया? मैं क्या जानूं, बदसूरत लड़कों को सुंदर लड़कियां कैसे मिलती हैं, अब मुझे क्या पता हो गया। ए, तू इधर क्या देख रही है? वो बोल रहा है बेचारा, उसको इडली दो ना। ना ना भाभी, बस रहने दीजिए। अरे खाओ ना। उस लड़की को अगर देखो ना तो क्या है? आप भैया फेस टू फेस देखो, क्या खूबसूरत है, ये बोलना चाह रहा था। चह, उस काले कौवे ने उसे पटा लिया ये सोचकर। तू खाना, खाते समय सोच क्यों रहा है, तू खाना खा। खाना क्या खाऊं भैया? ए, याओ याओ याओ, क्या करियो, मत जाओ वहां पर। अरे मत जाओ वहां पर। हे, तुम्हें अकल नहीं है क्या? नहीं 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 नहीं, ये सब बोलकर से डर रही है, आधी रात को उठकर रोने लगेगी तो। अरे जाकर गोदी में उठा से, जा। जो 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 मैं कुछ नहीं हूँ। रात में फोन को साइलेंस पे रखा कर। भैया क्या बोल रहे हो? 2-3 बार मैं ही डर गया हूँ। ठीक है, खाना खा, खाना खा। Thank you.
हाँ दीदी, डॉक्टर फ्री है, मिलना है तो मिल लो। अब बस अभी आए। एक्सक्यूज मी, मिस्टर सुंदरम के लिए अपॉइंटमेंट लिया था मैंने। सन्मुगम सुंदरम ना? जी हाँ। आप बैठ जाइए। ओके। पानी पी लेता हूँ। पानी? अरे सॉरी सॉरी। सॉरी ये ग्लास पता नहीं। Yes, who is this? Satish, sir, तुम अभी तक गए नहीं, तुम्हारा काम नहीं हुआ क्या? अभी निकलता हूँ सर। ओके। मेरा टोकन नंबर 10 है, कितना टाइम लगेगा? 5 नंबर गया है, आप बैठिए। सतीश, yes? आपने डॉक्टर से मिल लिया ना? फिर क्यों यहाँ बैठे हो? ठीक है, ओके, बाय दीदी। सतीश, तुम्हारा बैग। थैंक्स। मैं बाहर ही खड़ा हूं के नगर में। हाँ, जूस की दुकान के सामने। अरे कहां पे हो, जल्दी आओ ना, कितनी देर वेट करूं। भैया एक बिना शक्कर के ऑरेंज जूस बनाओ। हेलो, अरे के नगर में हूं, तुम जल्दी आ जाओ। कितनी देर में आओगे, कब से वेट कर रहा हूं मैं। हेलो, हाँ निकल गए हो? हाँ, क्या आवाज नहीं आ रही है? अरे ट्रैफिक में हूं ना। हाँ डील हो जाएगी, ठीक है। क्या बोला? बेवकूफ कुमार, क्या कर रहा है? क्या हाँ? अरे आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा तेज बोल ना। क्या कहा? अरे जब मैंने कहा तुमसे मिलने इधर आ रहा है, इधर मैंने तुमसे बोला डील हो जाएगी तो हो जाएगी। हाँ हाँ, क्या पिछली बार करवाई थी ना मैंने, इस बार भी करवा दूंगा, चिंता मत कर। सर सर सिग्नल है क्या? सर है ना, ए उनका नेटवर्क है तो मेरे पास नहीं होगा। किसी और से बात कर रहा हूं। क्या समझ में नहीं आ रहा है? क्या चेन्नई सुपर किंग्स है क्या? हां अच्छा अच्छा। सर सर आप स्कोर सुन रहे हैं क्या? स्कोर कितना? अरे लग रहा है वो स्कोर नहीं सुन रहा है। अरे मुझे कुछ समझ में, ए जल्दी आओ। एक मिनट रुक जरा, कितना लेट किया? कुछ देर वेट नहीं कर सकते हो, घर जाके क्या काम करना है? ज्यादा बात मत कर, फोन पकड़। हाँ चलो भैया, जूस कैंसिल। अब चलो भी, कमी ना कहीं का। इस उम्र में भी लड़की के पीछे पड़ा है। ओ भाई, धीरे बात नहीं कर सकते क्या? सिग्नल नहीं आ रहा था फोन में। वहाँ सिग्नल पे जाकर खड़ा हो जा, अच्छा सिग्नल मिलेगा। मोबाइल होगा आपके पास तो पता चलेगा ना। मोबाइल फोन, मोबाइल इसे कहते हैं। बच्चों की ज्योमेट्री बॉक्स लेकर यहाँ तमाशा कर रहा है। और सुन, दोबारा अगर इस एरिया में दिखा ना तो मोबाइल चोरी करने वाला है ये बोलकर पुलिस से पकड़वा दूंगा। चल भाग यहां से। Our monthly target from last month has been fallen short by 2 lakhs. So we have made only 7 lakhs.
The 2 lakh which is not being collected to this month because of you guys. You're not being working properly and I don't know where you guys are working with and whom you're working with. I don't know where your consideration is. So you just need to sort the target and you have to achieve it because we are lacking it. The Regal Pharmaceutical is behind my back because they want to launch this new tablet for the blood pressure. What is this going on? ये किसका मोबाइल है? साइलेंट करो इसको। साइलेंट पे था सर। अगर ये साइलेंट था तो ऑटोमेटिकली ऑन कैसे हो गया फिर ये? क्या ये फोन भी तेरी बात नहीं सुनता है? यहाँ तक कि रिंगटोन भी बकवास लगा रखी है। बेवकूफ। हे, सब लोग 500 रुपए मिला के इसको फोन दिला दो। सब जगह हमारी कंपनी की बेइज्जती करता रहता है। ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग यू इज दैट वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द टारगेट दैट वी आर लैकिंग। अरे सब लोग 500 रुपए मिला के इसको नया फोन दिलवा दो। ये हर जगह हमारी कंपनी की बेइज्जती करवाता है। सर वो आपका फोन। बच्चों की ज्योमेट्री बॉक्स लेकर यहां तमाशा कर रहा है। ये घटिया फोन रखेगा ना तो तुझे कोई इज्जत नहीं देगा। बड़े बड़े डॉक्टर से मिल जाता है। अरे एक अच्छा फोन रख लेना। सतीश तू दुकान बंद करके चला गया क्या? तुझे कैसे ढूंढूं समझ में नहीं आ रहा। अपने काम का क्या हुआ? ऑफिस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई यार। अरे वो माल को वापस मांग रहे हैं। 2-3 दिन के अंदर माल वापस कर दे। सर वो फोन आकर मैं वो क्या कहा? 10 दिन लगेंगे। 1 वीक का टाइम दे रहा हूँ। अगर नहीं किया तो पैसे वापस कर देना। ठीक है। क्या हुआ भाई? फोन के लिए कोई पूछने आया था क्या? फोन? हाँ? श्रवण, हाँ? सेल फोन गुम हो गया था, कोई ढूंढने आया था क्या? नहीं मालिक। नहीं आया था भाई? नहीं आया क्या? ठीक है, ओके भाई। भाई हाँ? आपको कोई फोन मिला क्या? ऐसा है तो मुझे दे दो, कोई आएगा तो उसे दे दूंगा। क्या कहा? तुम दे दोगे? मैं खुद ही दे दूंगा। ए, मैं फोन वापस देने गया था तो वहाँ कोई नहीं था। कसम से तू पागल है यार। अच्छा फोन खरीदने की तू सोच रहा था, आईफोन मिल गया तो वापस करने गया था तू? अकल नहीं है क्या तुझमें? ए, अपने जैसे किसी गरीब का। अरे कोई गरीब आईफोन खरीदता है क्या? इसकी कीमत पता है क्या है? 40,000 रुपए। इसमें सारे सॉफ्टवेयर मिला करके 50,000 रुपए होते हैं। इतनी देर से फोन तेरे पास है, किसी ने तुझे फोन किया कि उसका फोन है? अभी तक दूसरा फोन खरीद लिया होगा, बहुत पैसे होते उनके पास। ए, बड़े आदमी ऐसा करते हैं? ये सही बोला तूने। वो जो कह रहा है सही है, तू चुप रह। ठीक है। अरे हो सकता है यार किसी ने लोन पे लिया हो। ए, उठा मत, कट कर, मेरी बात सुन। ए, मुंह बंद कर, उठा मत, उठा मत। फ्रेंड के नंबर से कॉल कर रही है, उठा ना, बात कर। अरे कोई भी हो यार, तू फोन मत उठा। सोच मत, उठा ले। इसमें जब तक सिम कार्ड रहेगा फोन आता ही रहेगा। सिम कार्ड निकाल देता हूँ, सारा मामला खत्म हो जाएगा। अब तू चुप रह यार। सिम कार्ड निकाल दिया, रीसेट कर दिया, अब देखते हैं किसका फोन आता है। सारा झंझट ही खत्म। अरे तू यूज कर यार, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अरे क्या यार, ईमानदारी की क्या जरूरत है? तुझे मिलता तो यूज नहीं करता। चल टाइम हो गया, आईएमआई नंबर के जरिए ढूंढ लिया। अबे चुप रह ना, आईएमआई नंबर से फोन मिलता ना तो अब तक मैं 4-5 बार जेल जा चुका होता। कुछ देर मिस्टर करिकालन। यस स्वप्न सुंदरी। अभी 5 नहीं बजे हैं क्या? अभी तक फोन का अलार्म नहीं बजा। ये देखो मेरे भाई ने आईफोन खरीदा है। देख रहा ना, लड़की पट गई। ये है आईफोन का कमाल, मैंने कहा था ना, मामला फिट हो गया। हाँ यार पता नहीं, अभी बहुत क्राउड होगा। हाँ घर पे, हाँ घर पे 1.5 किलोमीटर लाने बोला है। ए
तू चुप रहे यार। हाँ क्या बोला था? कुछ सुनाई नहीं दे रहा यार। दोस्त पड़ोसी को फोन इस्तेमाल करना नहीं आता। ए, क्या बात है, नया फोन लिया? हाँ यार क्या मस्त फोन है यार, जरा दिखा देखो तो। वेरी गुड, आईफोन ले लिया मतलब अच्छी तरक्की कर रहे हो तुम। हाँ थैंक्स। क्या यार? बस तू परेशान होता रहता है यार, कर कुछ नहीं पाता है, बेवकूफ। क्या करता है यार, आज उसको बता देना। ए जब बात करनी हो तो कर लूंगा ना मैं, उस दिन रोड पे रोककर की थी ना मैंने बात, प्यार के इजहार करने के नाम पर ही मेरा दिल धड़क रहा है। तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? एक्सक्यूज मी, व्हाट इज टाइम? संडे। जो कर रही है, टाइम पूछा तो संडे बोल रही है। अरे यार तू उसे पिक्चर लेके जाना, सिनेमैक्स में अच्छी पिक्चर लगी है, वहाँ भीड़ नहीं होगी, वही दिल की बात बता दे। मुझे तो प्यार के नाम से डर लग रहा है, और तू पिक्चर जाने के लिए बोल रहा है, दूसरा कोई आइडिया नहीं तेरे पास? मैं क्या जीनियस हूँ आइडिया देने के लिए बोल रहा है? आजकल की लड़कियाँ बहुत होशियार होती हैं, पहले दिन देखती हैं, फिर मुस्कुराती हैं, उसके बाद जांचती हैं, स्मार्ट लड़के के लिए 7 दिन वेट करती हैं। तू ज्यादा स्मार्ट नहीं है ना, इसलिए जल्दी बोल दे। आजकल जो स्मार्ट नहीं होता ना उन्हें अच्छी लड़की मिलती है। बिंदास बोल देना, करवा लेना। मुझे प्रपोज करने का ना तो तुरंत मां कह देना, ठीक है? अरे जाना चाहिए, मेरे मम्मी पापा मेरे लिए रिश्ता देते हैं, ऐसा कहकर उसे एक हफ्ते के लिए अपने पीछे पीछे घुमाना। अरे सुनिए एक मिनट, एक मिनट, ये आपसे कुछ पर्सनल बात करना चाहता है। जो भी हो यही बोल देना, पापा को जाके मत बताना। एक तो लगाना होगा तो ये लगा देना। हे भगवान इसे बचा ले, आखिरी बार तुझे गले लगाता हूं। आ जा आ जा आ जा, जीत तेरी होगी, लेट्स रॉक द वर्ल्ड। बात कर बिंदास 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 बिंदास, आपको कुछ पर्सनल बात करनी है ऐसा कह रहे थे ना आप? अब वही समझ में नहीं आ रहा कैसे शुरू करूं। आप जो भी बोलना चाहते हैं बोलिए, मैं बुरा नहीं मानूंगी। अब वो हां बोलिए ना। आप जाइए, पहले आप जाइए। क्या हुआ? आप पहले यहाँ से जाइए, कल बात करते हैं। क्यों? आपका पड़ोसी आ रहा है, कहीं वो आपके पापा को कुछ बता ना दे। वो तो एक नंबर का आवारा है, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। आप बोलिए ना। क्या आप अपनी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को रास्कल कह रही हैं? बॉयफ्रेंड? हाँ। कौन? वो? हाँ वही। अरे उसके सामने ऐसा मत बोल देना, नहीं तो खून कर देगी। उस दिन तो दोनों एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे। ओ, अच्छा अब मैं समझी। उस दिन हम लोग ऑफिस जा रहे थे ना, हमारी गाड़ी पंचर हो गई थी, और वो आकर कहने लगा आप लोग ऑफिस जाओ मैं ठीक करके रख दूंगा, शाम को घर पर छोड़ दूंगा कहा था। हमारे पहचान वाला है इसलिए हमने हाँ कह दिया। उसने गाड़ी भी दे दी, मेरी फ्रेंड ने थैंक्स कहते हुए स्माइल किया होगा, बस और कुछ भी नहीं। लेकिन वो तब से इसे फॉलो कर रहा है, हम लोग जहाँ भी जाते हैं वो आ जाता है, बहुत टॉर्चर करता है। यानी आपके फ्रेंड उससे प्यार नहीं करती है? छी छी, उस रास्कल को। आपसे किसने कहा? मेरे को किसी ने बोला था। या इट्स मी। या अच्छा आप कुछ कहने वाले थे ना? हाँ वो मैं आकर कमान यार ये लीजिए। मैं आपके फ्रेंड को सीरियसली प्यार करता हूँ, आप कैसे भी हम दोनों को मिलवा दीजिए ना। तूने क्या बोल दिया, इतने गुस्से में जा रही है? कुछ नहीं बोला। हे मैंने उसको प्रपोज करने के लिए बोला था और तू उसकी फ्रेंड को प्रपोज करके आ गया। हे तुझे पता ना मैं उसको पहले से पसंद करता हूँ, तूने बीच में घुसकर कंफ्यूज कर दिया। अगर नसीब में होगी तो मुझसे सेट हो जाएगी। वो तुझसे सेट नहीं होगी, जो सेट होगी उसके पीछे पड़ने का। ओवर स्मार्ट बनेगा ना तो कुछ नहीं मिलेगा तुझे। मैं तुझसे भी गया गुजरा नहीं हूँ समझे। हाँ तू बहुत बड़ा हीरो है और मैं बहुत बड़ा बेवकूफ। अबे सीरियसली कह रहा हूँ, ध्यान से सुन मेरी बात मान, कितनी सुंदर है वो, किसी ने उसे जरूर पटाया होगा। तेरी रेंज की लता है, उसे पटाने के बजाय तू उसकी फ्रेंड को पटाया। तू भी ना बिल्कुल उल्टा ही काम करता है यार, वो ऑलरेडी बुक्ड है यार। तू मेरी बात नहीं मान रहा है तो एक दिन उसके पीछे घूम के देख ले। हेलो अकल थोड़ी कम है क्या?
अगर मुझे प्यार करते हो तो इतने दिन उसे क्यों फॉलो किया तुमने? पता है तुम्हारी वजह से कितनी प्रॉब्लम हो गई है? मैंने उसको फॉलो नहीं किया था, मैंने आपको फॉलो किया। सारी गड़बड़ है ना उसकी है। स्टूपिड, तुम्हारी वजह से हमारी फ्रेंडशिप टूट गई है। उसे लगता है ये सब मेरी वजह से हुआ है। अब यहाँ ऐसे खड़े क्यों हो? मुझे प्रपोज करने के लिए, भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ। हेलो हेलो, मैं यहाँ प्रपोज करने नहीं आया था, सॉरी बोलने आया था। क्यों? वो क्या है कि खूबसूरत लड़की को देखकर हम जैसे लड़के सोचते हैं कि कैसे भी उसे हासिल करना है, और आप जैसी लड़की से बात करके लगता है कि हमने उस लड़की को हासिल कर लिया, लेकिन आपको फॉलो करने के बाद पता चला काम पर जाने वाली लड़कियां कितनी तकलीफ उठाती हैं। मैं सच बोल रहा हूँ, आपको देखने के बाद काम करने वाली लड़कियों के प्रति मेरा सम्मान बढ़ गया। सेक्सुअल अबीसमेंट के बारे में ऑफिस में बात करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि भीड़ में खड़ी लड़की को टच करना इस दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह है, बहुत ही घटिया काम है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आप बहुत खूबसूरत है, कोई भी आपके प्यार में पड़ जाएगा। लेकिन मैं मोहब्बत के बाद शादी नहीं, बल्कि शादी के बाद मोहब्बत करना चाहूँगा। मैं प्रपोज करने नहीं आया था, सॉरी कहने आया था, सॉरी। मैं चलता हूँ। What bro? अरे यार तू भी ना, प्यार का इजहार करने गया था, सॉरी बोल कर आ रहा है। हाँ यार, उसको फॉलो करने के बाद पता चला कि उसके पीछे कितने लोग पड़े हैं, उन सबको पीछे छोड़कर अगर प्रपोज करना है तो कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए, इसीलिए सॉरी के बहाने प्यार बोल दिया। सुपर यार, देखना आज के बाद उसकी याद में ये हीरो रहेगा। क्या फिल्मी हीरो की तरह बात करता है? मोहब्बत की बात करते हुए खड़े नहीं रहना चाहिए। चल, तो तूने डिसाइड कर लिया कि उसे पटाके रहेगा? बकवास बंद कर और चल। जरा चाबी देना गाड़ी की। ए नमिता, चाबी देना। पुराने जमाने का ये घर है, यहाँ पर सिर्फ हम लोग रह रहे हैं। आसपास नजर उठाकर देखो, हमने दो लड़कियों को जन्म दिया है, याद है कि नहीं? तुम्हारे पापा ऑटो चलाकर मर गए, अब तुम भी वही कर रहे हो, तुम्हें अकल कब आएगी? ए, तू इतना चिल्ला क्यों रही है रे? हाँ, मैं तकलीफ बता रही हूँ और तुम कह रहे हो चिल्ला रही हूँ। लड़कियों को बड़ी हो जाने तो फिर पता चलेगा तुम्हें, देख लेना। हे, ये तो खुशी की बात है, तू रो क्यों रही है इसके लिए? मेरे पापा ने कहा था लेकिन मैंने तब नहीं सुना। अच्छा, सुन लेती तो तेरा बाप कलेक्टर लेकर आ जाता। बस ताना देना अच्छी तरह से आता है, मेरी फूटी किस्मत, क्या करूं? आजा। ए सतीश, तू अपने भाई को समझा नहीं सकता है क्या? हाथ में आया मौका इस तरह जाने देंगे तो एक दिन सब बर्बाद हो जाएगा। मेरे मन में जो बात थी मैंने कह दी, अब तू ही समझा अपने भाई को, मेरी तो एक नहीं सुनते हैं। ईमानदारी देखो, 20 तोले का सोना जिसका था उसको पहुंचा दिया। अभी इस बात के लिए जब से आया हूं तब से चिल्ला रही है मुझ पर। नहीं तो और क्या करेगी? सोने का भाव क्या चल रहा है इस समय पता है आपको? और 20 तोला उठाकर दे दिया। लेडीज लोगों को सोना पसंद है ना, और दो बेटियां भी तो है ना आपकी। तू भी अब उसी की सपोर्ट कर रहा है? क्या बोले जा रहे हैं कि सपोर्ट करो सपोर्ट करो, जरा खुद ही सोच कर देखिए ना। भैया अभी इतना क्यों सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं है? मैंने बिल्कुल सही किया है, बचपन से पापा ने मुझे एमजीआर के नाम पे पाला है, मैं कभी गलत नहीं कर सकता हूँ। क्या एमजीआर एमजीआर लगा रखा है आपने? मैं भी रजनी का फैन हूँ तो वो जो कर रहा मैं भी करूँ क्या? देख, हीरो कितने भी आते हैं जाते हैं, लेकिन लीडर सिर्फ एक ही हो सकता है। तुम्हारे हीरो के घर में जब कोई प्रॉब्लम आती है तो आम प्रॉब्लम बताकर नेता बनते हैं, लेकिन मेरा लीडर ऐसा नहीं है। दूसरे के प्रॉब्लम के लिए मैदान में कूद जाता था, इसलिए वो आखिरी तक लीडर था। मेरी डिक्शनरी में भीख मांगना और चोरी करना एक समान है, अगर मैं वो सोना ले लेता तो वो चोरी की तरह होता, और जिंदगी भर घुट घुट कर मरने से अच्छा था तेरी भाभी की गालियां खुशी से सुन लूं। चल जा।
हेलो, क्या भाई दुकान को बंद कर दिया? फोन भी स्विच ऑफ है और पिच्चू मनी भी गायब है। कहाँ हो आप? ऑफिस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हेलो, मैं सतीश बोल रहा हूँ। मोबाइल मेरे पास है, कल मॉर्निंग में आपको आकर दे दूंगा। अरे सर, क्या कह रहे हैं आप? आप कुछ भी बोल रहे हैं। आप कहाँ पे हैं ये बताइए, मैं आता हूँ। नहीं, वो अभी बहुत लेट हो गया है, कल सुबह आकर दे दूंगा आपको। सर, ऑफिस में बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, प्लीज सर। धोखा मत दीजिए। धोखा नहीं दूंगा। पक्का आएंगे ना सर? पक्का, कल सुबह आकर दे दूंगा सर। सर, तिरुवान मयूर रेलवे स्टेशन है ना, वहाँ पे आ जाइएगा। हाँ, जरूर आइएगा प्लीज। ओके ओके। पहले वो मुझसे प्यार करता था, तू नहीं सब बिगाड़ दिया, तू ही बीच में आ गई। मैं समझती थी तू मेरी अच्छी दोस्त है, पर तूने तो मुझे धोखा दिया, मुझे कोई बात नहीं। भाई क्या जादू कर दिया तूने? तेरे ये दो दो लड़कियां आपस में लड़ रही हैं, ये सब देखकर मुझे जलन हो रही है। ये जरूरी बात है, दो दो लड़कियां आपस में लड़ रही हैं, छोटी बात है क्या? ये जो फोन है ना, हीरो हो गया तो हीरो। मुझे ऑफिस ड्रॉप कर सकते हो? क्या कहा? मुझे ऑफिस ड्रॉप कर सकते हो क्या? हम दोनों को एक जरूरी काम से बाहर जाना। मैं चला जाऊंगा, मेरे पास गाड़ी है। है गाड़ी। देख, जरूरी काम से बाहर जाना, तो मेरी बात सुनो। देखा ना कि मुझे कितने लड़के फॉलो करते हैं। तुम्हारे साथ बाइक पर जाऊंगी तो कैसे कोई फॉलो नहीं करेगा? इतनी भी हेल्प नहीं कर सकती क्या? ए, लेके जाना, बूढ़ी औरतों को लेके जाता है, इनको लेकर नहीं जा सकता। चलिए मैं अपनी बाइक से जाऊंगा, आप जाइए। बाय। दिल खुश हो गया, मेरे दोस्त ने लड़की बता ली है। काश मुझे भी कोई लड़की मिल जाए, पड़ जाए मुझसे, मेरी किस्मत। मेरे पास जो आईफोन है ना, मैं क्या करूं? मैंने क्या किया है? सब कुछ तुमने किया है। मैंने कुछ नहीं किया। मैं कभी तुमसे मिली हूं क्या? उस दिन मैं आपको सॉरी बोलने आया था। पर उस वक्त हमारे बीच कुछ था तो नहीं ना? और वो कह रही थी कि तुम उसे फॉलो करते थे, तुम उसे फॉलो करते थे क्या? नहीं, बस एक ही बार फॉलो किया था। मुझे लगा ही था सब कुछ मुझे रिजेक्ट करने के लिए कहा होगा उसने, मुझसे जेलस फील कर रही होगी, पर होने दो, अच्छा है। सुनिए, मैं आपको कुछ और ही बात करने वाला था। तुम उससे प्यार तो नहीं करते ना? नहीं, कसम से कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता चला कि मेरा दोस्त ही उसका बॉयफ्रेंड है। मुझे पता है, और उसे समझाती हूँ तो रोती है, पर अब नहीं समझाऊंगी। थैंक्स। सुनिए, तुम्हें कुछ कहना था क्या? जी तो जल्दी से कहो। वो किसी के पास आईफोन है, कॉस्टली फोन है, इसलिए दोस्ती मत करना, क्योंकि उसने वो फोन या तो ईएमआई पे खरीदा हो या फिर चोरी की होगी। क्या कह रहे हो तुम? मैं कुछ समझी नहीं। मेरे पास आईफोन है, इसीलिए आप मुझसे बात कर रही थी ना। ऐसा किसने कहा तुम्हें? फ्रेंड ने कहा कि कॉस्टली फोन होगा तो लड़की जल्दी से पड़ जाएगी। तुम्हारा फ्रेंड कहेगा? और सुन लोगे, खुद का दिमाग नहीं है? लड़कियों के बारे में इतना बुरा सोचते हो तुम? नहीं, ऐसी बात नहीं, वो मैं देखिए, लड़कियों को तुम लोगों ने इतना चीप समझ रखा है। हा? नहीं, वो उसने ऐसा कहा था। उस दिन तो बड़ा कह रहे थे मेरे दिल को कोई नहीं समझता, ये वो सब झूठ था ना, सारे लड़के एक जैसे होते हैं। झूठ नहीं, उसी लड़के ने बोला था, इसलिए तो उस लड़की को चप्पल से मारना चाहिए। मैं तुम्हें ऐसी वैसी लड़की दिखती हूँ? यानी सच में अगर मेरे पास आईफोन नहीं होगा तब भी आप बात करेंगी? स्टूपिड, शाम को मिलती हूँ। हेलो, 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 हाँ बोलिए सतीश। एक लड़की से ऐसे बात करते हैं क्या? वो मैं नहीं, वो लड़का बोल रहा था। वो जो भी कहेगा तुम आसानी से मान लोगे क्या? दो थप्पड़ लगाने चाहिए थे उसे, रोड पर खड़ा करके शूट कर देना चाहिए। मैं इतना भला बुरा कह रही हूँ, एक सॉरी नहीं कहा जा रहा तुमसे? सॉरी जी, अभी बोल रहे हो। हे सतीश, मेरी पिंक कलर की बैंगल्स कैसी लगी तुम्हें? पिंक कलर पूरा नहीं देखा, लेकिन अच्छी होगी। थैंक्स। कल कल रेड कलर? हाँ, तुम भी पहनोगे? सुपर्ब, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। कल भी तुम ही मुझे ड्रॉप करोगे, ठीक है ना? ओके जी। और पिकअप भी करोगे? ओके, थैंक यू बेबी, बाय सतीश। क्या बोल रही, समझ में नहीं आ रहा है। मुझे छुट्टी चाहिए सर, मैं आज काम नहीं कर पाऊंगी। हेलो, हेलो सर, मैं आ गया सर। इधर इधर देखिए, किधर? राइट में, हाँ इस तरफ आइए। इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ, अभी आए हैं जनाब। सॉरी सर, फोन दुकान में रह गया था सर, ये लीजिए। हाँ, सर।
अरे कोई बात नहीं, फोन अपने पास ही रखो। नहीं, आजा, नहीं, आजा। अरे मेरे बाइक पर बैठो ना, मुझे ऑफिस जाना है। अरे छोटा सा काम है, हो जाएगा, चलो ना मेरे साथ, चलो आ जाओ, पास ही में एक छोटा सा काम है सर। अरे मैं कह रहा हूँ ना, आओ। सर कहाँ जा रहे हैं सर? ज्यादा दूर नहीं, पास में ही, तुरंत आ जाएंगे सर। मेरी बाइक है, चलो आ जाओ सर। अरे कुछ नहीं होगा, आ जाओ। मुझे सर सच बता, सर मुझे कुछ नहीं पता, पता कि नहीं पता, सर जल्दी सर, सर कह रहा हूं ना मुझे कुछ नहीं पता, बता है कि नहीं सर। आप मार साथ को तोड़ दो क्या? मार क्यों रहे? हाथ से तूने मेरा माल उड़ाया है ना, ऐसे नहीं मारेगा ये। ए हाथ तोड़ दो इसका। अरे बता दे वरना ये लोग बहुत मारेंगे। सर सच बोल भाई, ये ऐसे नहीं मारेगा, इसका हाथ तोड़ देता हूं। परेशान मत हो, चल बता दे। देख रवि इज्जत से बता दे, बता माल किधर है, अगर नहीं बोला ना तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। सर मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मेरा नाम रविशंकर नहीं सतीश है सर, सच में कह रहा हूँ सर। मैं बेवकूफ दिख रहा हूँ तुझे? फोन मिला, कुछ दिन यूज किया, अचानक दिल में लगा कि गलत है तो वापस करने आ गया। चल बता, अरे हजार का भी फोन मिल जाए तो कोई वापस नहीं करता, और तू आईफोन वापस करने आया? सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं फोन देने ही आया था सर। ऐ तेरी दुकान में दो लोग काम करते हैं ना, उनको उठा कर लाया हूँ, अगर भागा ना तो उनको मार डालूंगा मैं। दुकान? सर सर मैं किसी को नहीं जानता। मजाक कर रहा है? ऐ उसको फोन लगा, झूठ बोलता है, ले बात कर। ए फोन उसको दे। हेलो, ये नहीं नहीं करके बात कर रहा है, बात कर इससे। हेलो भाई, मैं किधर हूँ मुझे पता ही नहीं है, ये लोग मुझे बहुत मार रहे हैं और माल के बारे में लगातार पूछ रहे हैं। आपको किससे बात करनी, क्या प्रॉब्लम है? सरासर झूठ बोल रहा है। नहीं सर, सर ये मुझे कोई और समझ कर बात कर रहा है, मैं रविशंकर नहीं हूँ सर। आप मुझे उनके पास ले चलिए, मैं प्रूव कर दूंगा कि मैं वो नहीं हूँ सर। सर जब वो मुझे देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि मैं वो नहीं हूं जिससे वो बात करना चाहते हैं सर। ये तो बोल रहा है कि ये रविशंकर नहीं है। ए, इनको बता मैं रविशंकर नहीं हूं। हे, बेवकूफ बनाना चाहता है क्या? कच्ची उम्र निकाल दूंगा। चल बता सच्चाई क्या है। ए, बोलना कि मैं नहीं हूं। हाँ, तू सिर्फ अकेले बचना चाहता है क्या? क्या? बहुत मार रहे हैं भाई लोग, दर्द सहन नहीं हो पा रहा मुझे। नहीं, झूठ मत बोल। झूठ मत बोल। तू ही रविशंकर है। नहीं हूं रविशंकर। ए, झूठ मत बोल, प्लीज बचा ले। बोलना कि मैं नहीं हूं। अरे सर मैं सच कह रहा हूं सर, यही रविशंकर है सर। ये नंबर तेरे ऑफिस का ही है ना, तू सिर्फ सुनते रहना। हेलो सतीश है क्या? सतीश? कौन सा सतीश? हेलो 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 सर। हा? सतीश हमारे ऑफिस में काम करता है और उसे ज्वाइन किए हुए करीब 2 महीने हो चुके हैं। सर मैंने बोला था ना कि मैं रविशंकर नहीं हूँ सर, मेरा नाम सतीश है, ये जानबूझकर झूठ बोल रहा है सर। भाई कमाल क्यों भाई, कितने नाम रख रखे हैं, कभी रविशंकर तो कभी सतीश। अरे एक नंबर के चालबाज हो, इनमें से ओरिजिनल नाम कौन सा ये तो बता दो यार। भाई ये आपको ना बेवकूफ बना रहा है, अबे चुप। हाँ भाई, गलती करने वाला कभी अपना असली नाम बताता क्या? पेपर में पढ़ते नहीं हो क्या? इस तरह का काम करने वाले ऐसे डुप्लीकेट नाम रखते हैं। हम बोल रहे हैं ना यही रविशंकर है, फिर भी यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? मारो इसको। तो चाहे जितने नाम रख ले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधी तरह से मेरा माल मुझे वापस दे दे, मैं भी मेडिकल रैप हूँ, तू क्या उलट फेर कर सकता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इज्जत से बता दे। कसम खा के कह रहा हूँ मुझे कुछ भी नहीं पता। अरे मुझे गुस्सा मत दिला। सर बोलिए ना सर, सर आदमी हाथ लग गया है सर, सर मैं माल पक्का पहुंचा दूंगा सर। अबे चुप ना सर, सर सर मैं खुद ही आ जाऊंगा सर, पुलिस की जरूरत नहीं है सर, सर प्रॉमिस सर, पक्का आ जाऊंगा सर।
सॉरी भाई, मुझे लगा था जैसे हम लोगों को मार के छोड़ दिया ना वैसे तुम्हें भी मार के छोड़ देंगे। मुझे नहीं पता था कि इतनी धुलाई करेंगे। ए, ये सब क्या हो रहा है? वो क्या है ना भाई, भाई जो आपको मारकर माल के बारे में पूछा ना, वो दयाल है, वो भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है। उसके लाइफ बहुत ही खुशी से गुजर रही थी पिच्चूमणि के मिलने से पहले। पिच्चूमणि रविशंकर के साथ मिलकर बहुत सारी दवाई का बिजनेस करता था, बहुत सारी दवाइयाँ गांव के बाहर भी बेचते थे। इस वजह से पिच्चूमणि की मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वालों से दोस्ती बहुत बढ़ गई। हाय, कैसे हो? रविशंकर ने 10 लाख का चेक दिया है। उसी दौरान दयाल की दोस्ती पिच्चूमणि से हो गई। दयाल की मेडिकल कंपनी से पिच्चूमणि ने 1 करोड़ का माल मांगा था। बड़ी डील है तो वो खुद ही मान जाएंगे, लेकिन ये डील तूने किया तो तेरा अच्छा नाम होगा। तू अच्छी तरह सोच कर बता। हाँ, दयाल ने इस काम के लिए हाँ कर दिया। नए काम पे लगा था ना, ऑफिस में नाम कमाने के लिए 25 लाख का माल पिच्चूमणि के हाथ में दे दिया। रविशंकर का नाम लेकर पिच्चूमणि ने माल तो उठाया, लेकिन पिच्चूमणि ने दयाल को रविशंकर से मिलने नहीं दिया। रविशंकर से मिलेगा तो पिच्चूमणि को कमीशन नहीं मिलेगा, इसलिए उसने उसे अवॉइड कर दिया। 1 हफ्ते में पिच्चूमणि पैसे देगा ऐसा बोला था, लेकिन दयाल को काफी चक्कर काटने के बाद भी पैसे नहीं दिए गए और ना ही माल दिया गया। उस दरमियान दयाल की नई नई शादी हुई थी, ऑफिस में उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लगे थे। उस वक्त पिच्चूमणि भी घर छोड़कर भाग चुका था, दयाल से फोन पर बात करता था। थोड़े दिनों के बाद फोन भी स्विच ऑफ हो गया। दयाल ने रविशंकर को कभी देखा नहीं था, सिर्फ फोन पर ही बात होती थी। थोड़े दिनों बाद रविशंकर ने फोन स्विच ऑफ कर दिया। आखिरी बार दयाल ने जब रविशंकर को फोन किया था तो तू फंस गया और तू ही रविशंकर है ये सोचकर तुझे उठा के यहाँ ले आए। रविशंकर की दुकान में हम लोग काम करते थे और पिच्चूमणि ने हम लोग को काम पे लगाया था। पिच्चूमणि ही दुकान पर रहता था, उसको ढूंढते हुए काफी लोग आते हैं, लेकिन रविशंकर कौन है उसे हमने कभी देखा नहीं। ये बात अगर मैं दयाल को बोलता तो वो कभी यकीन नहीं करता। तो तुम लोगों ने मुझे क्यों फंसाया? अरे अगर हम लोग तुमको नहीं फंसाते ना तो वो हम लोगों को मारते ही रहते, अब क्या करें, मजबूरी में करना पड़ा। मुझे लग रहा है उसका माल उसी दुकान में होना चाहिए। जब हम आखिरी बार बाहर जा रहे थे तो बाहर बहुत सारे बॉक्स उतर रहे थे, मुझे लगता है वही माल होगा, लेकिन वहां जाकर कौन निकालेगा? दुकान भी तो बीच बाजार में है और अगर हम लोग दुकान खोले जाएंगे तो आसपास वाले लोग हमारी भी धुलाई कर देंगे। तो तुम्हें बताओ क्या कर सकते हैं? अरे वही मैनेजर है यार, मेरे ऊपर बहुत चिल्ला रहा है, टॉर्चर कर रहा है। कल सुबह 10 बजे तक उसको माल चाहिए, अब मैं माल के लिए कहाँ जाऊँ यार? ये कुछ बता नहीं रहा है और वो पुलिस की धमकी दे रहा है। 25 लाख का माल है, क्या करूँ, कैसे मैनेज करूँ? लगता है बैंक को ही लूटना पड़ेगा। वो माल मेरे पास है सर। हा? क्या कहा? उस मेडिसिन को मैंने ही गोडाउन में रखा है। देख लिया, अब मुंह खुला इसका, धुलाई के बाद अक्कल आ गई। पहले ही बोलना चाहिए था ना, तेरा ये हाल नहीं होता। मुझे बोलने कहाँ दिया? जब माल मिल जाए तो मुझे फोन करना। सर क्या हुआ? मेरी टाई। पहले माल हाथ में आने दे, फिर टाई बैग सब कुछ लेकर जाना। भाई हम लोग जा रहे हैं। भाई ए, तुम लोग कहाँ जा रहे? आपको ये मिल गया ना भाई, अब हमको जाने दीजिए प्लीज भाई। अबे चल बैठ यहाँ पे, माल आ जाए क्या जाना। भाई ये गलत बात है भाई। अगर इस पर हाथ उठाया ना तो हाथ तोड़ दूंगा तुम्हारा। तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, तब तक तुम इधर ही रहो। सर इनका ख्याल रखो। सुन ले, अगर यहाँ से भागने की कोशिश की ना तो इधर देख, तेरा फोन मेरे पास है और तेरे पूरे परिवार का नंबर है इसमें। अगर मुझे कुछ हुआ ना तो मैं तेरे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। आप गलत सोच रहे हैं, मैं लेकर आता हूँ। तू मेरे बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूँ, होशियार रहना, चल जा। हम लोग यही हैं, ताला खोल। चाबी मैं घर पे ही बुलाया हूँ। ठीक है, घर जाकर लेकर आते हैं। नहीं वो ठीक नहीं रहेगा, अब ताला तोड़ो। ताला तोड़ना पड़ेगा? मैं इधर ही हूं ना, तोड़ो ताला, तोड़ो तोड़ो। सर सर ताला तोड़ रहा है, सर सर ताला तोड़ा, देखो ताला तोड़ा, ताला तोड़ा।
अरे कल सुबह तक दे देंगे ना, टेंशन फ्री हो जाएंगे। ठीक है। आ ही गया फोन। हेलो दयाल भाई, वो मुझे फंसा कर भाग गया। अबे उसको छोड़कर मुझे फोन कर रहे हो? अभी वो भागा है, अगर वो मेरे हाथ लग गया ना तो मैं उसे मार दूंगा। भाई वो हम लोगों को फंसा कर यहाँ से भाग गया है। तुम लोग हमें बेवकूफ नहीं बना सकते समझे? वो भाग नहीं सकता, पुलिस के पास जाएगा तो खुद ही फंसेगा। ए, वो बाइक लेने गया होगा, जल्दी से तुम लोग पीछा करो। अरे भाई क्या बोल भाई, बोले उसको छोड़ना मत, चल बाइक लेकर आ। चल भाभी। हेलो। हाँ सतीश, मैं माँ के घर जा रही हूँ। तू बच्ची को स्कूल से लेकर घर छोड़ देगा क्या? मैंने तुम्हारे भाई से बात की थी पर वो सवारी लेकर गए हैं, इसलिए तुमसे कह रही हूँ। देखो भूलना मत, स्कूल 5 बजे छूटता है, टाइम पे पहुँच जाना। हाँ हे, उसके घर का एड्रेस पता है? नहीं नहीं, पुलिस। हेलो हेलो हेलो, कंट्रोल रूम। सर सर, मुझे ले जाकर कुछ लोगों ने धमकी दी है, पता नहीं कौन हो। तुम कौन हो? मेरा नाम सतीश है सर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। धमकी दे रहा है, धमकी दे रहा है, पता नहीं सर कौन सा एरिया, पता नहीं सर। मुझे ले जाकर धमकी दे रहे थे कि माल किधर, मुझे नहीं पता सर। तू कंट्रोल रूम में फोन करेगा? किस एरिया में है तू? सर सर, अभी मैं आडियार हूं। पुलिस स्टेशन में वहां जाकर कंप्लेंट दे दे, वो लोग देख लेंगे अपने आप। सर नहीं सर सर, हेलो वो मनी मारन की लड़की। अच्छा ए बेटी, तुम्हें लेने आए। हाय वो जा रहा है, तेज चला वो, देख। अरे तू सुबह बच्ची को लेने स्कूल नहीं गया था क्या? कितनी बार फोन किया तू, फोन ही नहीं उठाता है। अरे गाड़ी को लात क्यों मार रहा है यार? देख मुझे फॉलो किया जा रहा, तू जा यहां से। अरे तू कौन, मैनेजर है क्या? मैनेजर नहीं, गुंडे है। अरे गुंडे बोल के डरा क्यों रहा है? ए अरे एक जरूरी बात करनी है, सुन सुन। ए मनी भाई की बेटी स्कूल से गायब हो गई है, अभी तक वापस नहीं लौटी है। अरे वही तुझे बता रहा, तू सुन तो। ए सतीश मेरी बात तो सुन। सतीश बच्ची को लेने तू नहीं गया था क्या? भाई ढूंढ रहे थे। ढूंढ रहे थे? हाँ भैया किधर है? भाई का फोन आया था, वो घर पर है। क्या कहा, घर? ठीक है, भाई का नंबर दो। 9841849845900 5900। कोई परेशानी है क्या तुझे? ऐसा कुछ नहीं भाई। भाई ये मेरा नया नंबर है, ठीक है? आए तो फोन करने के लिए। हाँ बोल दूंगा। क्या बात है, तुम्हारे घर पर पुलिस क्यों आई थी सतीश? बच्ची को क्या हुआ, तुम बच्ची को लेने नहीं गए थे? भैया कहाँ? तुम्हारे भैया को अभी अभी पुलिस वाले लेकर गए हैं, शायद स्कूल लेकर गए होंगे। भाई भाई सतीश को दिखा है क्या? हाँ देखा ना। हाँ, भाई सतीश को। सतीश आया था। हाँ। वो अपने भाई से मिलने गया घर पर है। ठीक है ठीक है। ए, उसने एक नंबर भी दिया। नहीं उसका नंबर है मेरे पास। अरे नहीं नहीं, नया नंबर उसका, नोट कर लो। बताओ। ए, मनी भाई की बेटी स्कूल से गायब हो गई है, अभी तक वापस नहीं लौटी है। अगर मुझे कुछ हुआ ना तो मैं तेरे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा।
हेलो ए रविशंकर, तू सोच रहा है कि मैं सिर्फ बोल बचन दे रहा हूँ? अभी तो मैंने बच्ची को राउंड घुमाकर छोड़ दिया है। अगर तूने नहीं बताया ना तो तेरे परिवार के साथ कुछ भी हो सकता है। तू क्या करेगा मैं कुछ भी नहीं जानता। कल सुबह तक मुझे मेरा माल मिल जाना चाहिए। अगर तूने होशियारी दिखाने की कोशिश की ना तो मेरे दोस्त तुझे खत्म कर देंगे, सोच लेना। माल के साथ जल्दी आ। एक मिनट में उसे बात करके बताता हूँ, ठीक है? उसे सुबह से कितने सारे कॉल्स किए, उठा ही नहीं रहा है वो। बिजी होगा। ए भाई, मेरे फोन में बैलेंस नहीं है, मुझे फोन कर। ए पता मुझे कितनी टेंशन हो रही है। अरे तू किधर है यार? क्या बात है बताओ ना। उसे फोन तो उठाना। अरे नमिता 20 सड़क पर खड़ी होकर हमारी क्लास ले रही है। क्या बात हुई? कह रही है कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? ए तुझे पता मैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम में हूँ? तू उससे बात क्या? मैं प्रॉब्लम में और तुझे उससे बात की सुझी। तेरा नंबर दूं क्या उसको? सुन, उसको नंबर उमर मत दे, तो किसी तरह उसको संभाल ले, ठीक है? ए उधर आरू है ना? हाँ है ना। तू और आरू शंकर की दुकान पर जाओ। हाँ। जरूरी बात करनी। उसे कुछ मत बताना, ठीक है? अच्छी बात है। दिस इज टू मच। मैंने उससे बात की है, वो ऑफिस में मैनेजर के साथ मीटिंग में है। अच्छा, मैंने बोला ऐसी था मीटिंग आ गई जो कॉल भी आंसर नहीं कर रहा। हो सकता है कि कोई खास मीटिंग हो। हाँ, मैनेजर ऑफिस का नंबर दे मुझे। ऑफिस का नंबर मैं पूछकर मैसेज करता हूँ, ठीक है? मैं पूछकर एसएमएस करता हूँ। पक्का मैसेज करना प्लीज। हम कर देंगे। उसकी फिक्र हो रही है। ओके ओके पक्का पक्का। हाँ चल 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 चल। हेलो। नंबर चेंज किया तो बता नहीं सकते थे क्या? तेरे भाई सतीश। हाँ भैया। तू जल्दी से एरिया के पुलिस स्टेशन में आ जा। क्यों, क्या हुआ भैया? बच्ची को? बच्ची मिल गई है, ये दूसरा मैटर है। भैया बच्ची मिल गई तो फिर पुलिस स्टेशन क्यों गए? मैं यहाँ अपने मैटर के लिए नहीं, तेरे मैटर के लिए आया हूँ। क्या मेरा मैटर? और नहीं तो क्या, एक लड़की से प्यार करना चाहिए, दो लड़कियों से प्यार करोगे तो यही होगा। क्या क्या भैया, आप क्या बक रहे हैं? मैं बक रहा हूँ, वो लता कौन है? तुमने उसे प्यार करके उसे धोखा दिया है, ऐसा लेटर लिखकर सुसाइड अटेम्प्ट किया उसने। तेरी वजह से आज मैं पुलिस स्टेशन में खड़ा हूँ। ठीक है तू डर मत, इंस्पेक्टर अपनी पहचान वाला है, मैं देख लूंगा उसे। तू आजा। ठीक है भैया। वन साइडेड लव है सर। मेरे भाई ने ऐसा नहीं किया होगा। इसने प्यार किया ऐसा कोई प्रूफ है क्या? उस लड़की ने लिखा तो इसमें ये क्या कर सकता है? सर लड़की को तो कुछ हुआ नहीं ना। मतलब ये कि लड़की की गलती थी? इसको फंसाने के लिए लड़की ने ऐसा किया सर। लड़की का मामला है, आपस में ही निपटा लो। क्यों पुलिस स्टेशन आ गए? वो आ गया सर। हे इधर आ। अरे इतना समझाने के बाद भी तू पुलिस स्टेशन पहुंच गया? अगर तूने वहाँ कुछ बोला ना तो मैं तेरे दोस्त को मार डालूंगा। ए मार उसे। ए, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरा उसे कोई लेना देना नहीं है, वो मेरा पड़ोसी है लेकिन मेरा दोस्त नहीं है। सतीश सतीश मुझे बचा ले। सतीश सतीश ये लोग मुझे मार देंगे। तुझे यहाँ बुला रहा हूँ ना। सतीश मुझे बचा ले। आ जा। ए ए ए सतीश, अरे मैं बुला रहा हूँ, तू भाग कर रहा है। ए हाँ यार। ए तुम दोनों जाकर पीछे बैठो। पर क्यों यार? यार अरे हम लोगों को कोई वॉच कर रहा है। हम लोगों को वॉच कर रहा है। मत देखो, ऑलरेडी करी को उठा लिया है और हमें भी मार देंगे। क्या बोल रहा है यार? ए तुम जाकर बैठो। हाँ ठीक है चल। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ और जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई थ्रिलर मूवी चल रही है। क्या भाई, इसलिए तू परेशान हो रहा है? बोल रहा हूँ ना,
यार पीछे मुंह करके मुझसे बात करते नहीं बनता, सामने फ्रिज उससे क्या बात करूं मैं। ए, तो चुप करना भाई। दयाल किस कंपनी में काम करता है तुम्हें पता है क्या? नहीं पता है। नहीं पता दयाल कहाँ काम करता है, वो रहता कहाँ है नहीं जानते। हम पुलिस में भी नहीं जा सकते, वडाकरी को टपका देंगे। एक काम करते, वो जिस तरह से कह रहा है ना, कंफर्म माल उसी के दुकान में, ओनर को पकड़कर माल निकाल लेते। बगल से हमें रविशंकर का एड्रेस मिल जाएगा, सीधे वहीं जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या बात है यार, तूने बिल्कुल सही बोला। हाँ यार। देख यार एक बहुत जरूरी बात है, तू एक बार तो नमिता से बात कर ले। तू उसको फोन नहीं कर रहा है, वो हमको बहुत टॉर्चर कर रही है, तुम्हारी वजह से हम दोनों परेशान हो रहे हैं यार। बीच सड़क पर बेइज्जती कर रही है वो, बात बड़ी छोटी सी है, अगर मैं वहां होता तो। सुन रहा है ना, वो तो चला गया। चला गया? इधर कोई रविशंकर है? कौन? रवि जी ना। रविशंकर भाई, कोई बुला रहा है आपको। अंदर आकर पहुंच। हाँ क्या है भाई? मुझे रविशंकर से मिलना है। मैं रविशंकर नहीं हूँ, रवि हूँ। क्या काम है आपको? दुकान का मालिक। दुकान का मालिक मैं नहीं, वो राज भाई है। देखिए इनको किसी के बारे में जानना है भाई। अच्छा क्या हुआ? सर यहाँ कोई रविशंकर है क्या? यहाँ कोई रविशंकर नहीं है, लेकिन मुझे बताया गया कि वो यहीं पे है। दो महीने से मैं दुकान चला रहा हूँ, यहाँ पर कोई रविशंकर नाम का आदमी नहीं है। नहीं नहीं सर, मुझे अच्छी तरह पता है कि यही एड्रेस बताया था। ये गवर्नमेंट की जगह है, लोग इसे लीज पर लेते हैं, बार बार ओनर्स बदलते हैं, इसीलिए कोई इसे खरीद नहीं सकता। इससे पहले यहाँ कौन रहता था? पिच्चू मनी नाम के आदमी से मैंने लिया था। पिच्चू मनी, उसका एड्रेस है आपके पास? ये ले बिरयानी, जा करके दे दे। तू जाकर दे देना उसे। क्यों, सारा काम मैं ही करूं? जाना यार, ऐसे घूर क्यों रहा है? ए ज्यादा नाटक मत करना, चुपचाप बिरयानी खा लो। हाँ हे, इसको देखना। हाँ बहुत अच्छी। आज कौन सा दिन है? क्यों, गुरुवार है आज। गुरुवार को मैं नॉनवेज नहीं खाता। बात करता है। कौन से भगवान? बाबा, साई बाबा का व्रत रखता हूँ। अच्छा बाबा के भक्त हो। दो वेज बिरयानी। ए मैं अभी लेकर आया हूँ, दयाल को फोन करके बोल दे वो ले आएगा। तू कौन सा मंदिर जाता है? महिलापुर का मंदिर। मैं गिट्टी के मंदिर जाता हूँ, वो एकदम सुपर है। अच्छा कभी ईसीआर मंदिर गए हो क्या? बहुत अच्छा है, वहाँ जाने के बाद मेडिटेशन का मन करता है, बहुत शांत माहौल है। हे तू कभी शिरडी गया है क्या? अगर अभी छोड़ देंगे तो चला जाऊँगा। एक बार मैं गया था, बड़ा मजा आया वहाँ। कैसे खा रहा है? क्या हुआ सर, यहाँ कोई पिच्चू मनी है? यहाँ कोई पिच्चू मनी नाम से नहीं रहता। हाँ बोलना। अरे यहाँ पर कोई पिच्चू मनी नहीं और फोन नंबर भी नहीं मिल रहा है। घर और दुकान को खाली करके कहीं भाग गया है। यार तू चिंता मत कर, काम करने वाले लड़के जैसा कह रहे हैं, लगता है 20-25 लाख की दवाई खरीदी है। इतना अमाउंट लगा है तो इलीगल बिजनेस ही होगा। और मुझे तो लग रहा है कि वो मेडिकल फील्ड से ही होगा। उसके अलावा ये सब रविशंकर ही कर रहा है, लेकिन ये सब पिच्चू मनी के नाम से प्ले कर रहा है। अच्छा तुझे ये फोन कहाँ से मिला था? वो ऑफिस के पास चाय की दुकान से। मुझे लग रहा है कि चाय की दुकान के पास ही रविशंकर होगा। वैसे तेरे हिसाब से वहाँ आसपास कोई मेडिकल कंपनी है क्या? नहीं ऐसी तो नहीं। अच्छी बात है, तू सीधा अपने ऑफिस जा। तुझे किसी पर भी शक हो तो उसे छोड़ना मत, क्योंकि तेरे ऑफिस में कोई एक हो सकता है। और एक जरूरी बात, अगर तुझे रविशंकर मिल जाए ना तो उससे सीधा डील मत करना, नहीं तो वो तुझे फंसा देगा, समझ गया ना? ए काम होशियारी से करना। सॉरी सर, वो मेरी भतीजी लापता हो गई थी इसलिए नहीं। सुबह फोन किया था तब बता देते। बच्ची को क्या हुआ? और बच्ची मिल गई सर, एक पहचान वाले ने घर लाकर छोड़ दिया। घर वाले डर गए थे इसलिए। मुझे लगा तू दोस्तों के साथ मिलकर पिक्चर देखने चला गया होगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो फोन करके बताया कर, अगर तू पिक्चर भी जा रहा है तो भी फोन करके बताया कर। ठीक है सर। तो अब तू पिक्चर जाएगा तो मुझे फोन करेगा? नहीं सर, सॉरी सर। चल जा काम पर लग। मनी सतीश, सतीश मनी, अपने पहचान का ही देख ले। तुम लोग बात करो, मैं ऑफिस जाता हूँ, तुम लोग बात कर लो, मैं चलता हूँ अब। ओके सर। नया काम पे लगा क्या? हाँ सर, एक्सपायरी मेडिसिन है ना। हेलो
एक मिनट सर, किसी ने कुछ लाकर दिया है क्या? हाँ दिया तो था, लड़के ने कहीं रख दिया है। बता क्या हुआ? कुछ नहीं, सॉरी। कोई परेशानी है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बात कर सकता हूँ ना? हाँ बोलिए। मैनेजर से एक्सपायरी दवा के बारे में पूछा तो उसने तुमसे बात करने के लिए बोला, वो सब हिसाब करके गवर्नमेंट को भेजना है। मैं भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। अरे वो रघु का मैटर तेरे एरिया का वो है रघु बेल बॉटम ना? हाँ अच्छे से जानता हूँ। अरे पता है वो जिस लड़की को देखता है ना डींगे मारता है, चश्मा पहन के खड़ा रहता है, अजीब आदमी है वो। एक बात बोलूं, ये बहुत देखता है, लंबी लंबी छोटा तू इसको भरोसा मत करना। बिरयानी आ गई। अरे बिरयानी आ गई, वेज बिरयानी है। तुझसे बात करनी है, इधर आ के देखो, बात करो। तू खा ले, बाद में बात करते हैं, ठीक है? चलो भाई, बड़ी भूख लगी थी, कुछ खा गया भाई। ये लड़का अपने पहचान का निकला। अरे मस्त कॉमेडी करता है, सच कह रहा हूँ मैं। क्या हुआ? हम उसे उठा कर लाए और तू उससे मस्ती कर रहा है? अरे भाई ये रघु के एरिया में रहता है, तूने उसे बोला? अरे नहीं भाई कुछ बोला नहीं, ये लड़का ना बात अच्छी करता है। हाँ, बातें तो अच्छी करता है, अगर वो यहाँ से भाग गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसको देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं क्या लगा। नहीं लग रहा तुम में अगर दोस्ती हो गई तो हम उस पर हाथ कैसे उठाएंगे? चल जा, जा यहाँ से निकल। क्या भाई? अरे कह रहा हूँ ना, जा उसे गले लगा ले, जा। इन लोगों के साथ क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। सॉरी यार। इट्स ओके ड्यूड। चल उठ। Hey, जा। आपके मैनेजर को सब पता है, इस फील्ड में ऐसा कोई नहीं है जिसको मैं नहीं जानता। मनी नाम पूछो तो मैं गारंटी लेता हूँ तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके? किसी और दिन इस बारे में बात करेंगे प्लीज। नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो दिन बाद मिलते हैं। मुझे गलत मत समझना, मैं बाद में बात करूंगा। ओके ओके ओके, बाद में कॉल करता हूँ। हेलो हेलो, इधर देख, मैं ऑफिस के बारे में बात कर रहा था, तुम्हारे बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा था। है मुझे ब्रोकर से क्या बात कर रहा था? ब्रोकर जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है, वही तो मुझसे माल लेकर भागा था, फंस गया ना। पिच्चू ओवर एक्टिंग मत कर, उससे माल लेकर तुम लोग मेरे साथ रोड पर तुम्हारा इंतजार कर रही थी, पता है तुम्हें? हेलो हेलो, फोन कट कर दिया उसने। कितना वेट करवाया मुझे, सब कुछ बताते हैं ना तुम्हारे फ्रेंड्स, ये बात नहीं बताई। तुमसे ही बात कर रही हूँ मैं। मुझसे बात करनी तुम्हें? मैं घर जाके फोन करता हूँ। कहाँ जा रहे हो, किसे ढूंढ रहे हो तुम? अभी मैं कुछ भी कहूंगा तुम नहीं समझोगे। मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने घर जाने के लिए कहा ना। उसने क्या किया पता है? किसने? वही जिसे तुम लाइन मारते थे, वो लता। गुस्से में क्या देख रहे हो, सच कह रही हूँ मैं। जरा बात को समझो तो। उसने खुदकुशी करने की कोशिश की, जानते हो? मुझे पता है, मेरे घर में सबको पता चल गया है और वो मुझसे पूछ रहे हैं, पर मेरे भैया मेरे सपोर्ट में हैं। भैया ने कहा था तुमसे मिलने के बाद उन्हें कॉल कर दूं। हेलो, ओके, भैया तुमसे मिलने आ रहे हैं, उन्होंने मुझे बुलाकर पूछा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो मैंने कह दिया कि हमारे बीच कुछ नहीं है। तुमने सुना मैं क्या कह रही हूँ? क्या कहा तुमने? मैंने कहा हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके। क्या ठीक है? तुमने लता से कहा था ना कि तुम मुझे फॉलो करते थे, मुझसे प्यार करते थे, और फिर मुझसे भी कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझसे शादी। मैंने जो बोला वो सच था, लेकिन अभी मैं रोमांस के मूड में नहीं हूँ, समझी ना? नहीं, वो तो भैया के सामने। सतीश, सतीश कहाँ जा रहे हो? भैया तुमसे मिलने आ रहे हैं। भैया यही सतीश है। हाय। सतीश, भैया यहाँ तुमसे मिलने आए हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? सतीश, अरे कहाँ जा रहे हो? ये पुलिस केस हो गया है, बेचारा मर गया। अरे कोई पुलिस को फोन करो, एम्बुलेंस बुलाओ। एक्सीडेंट है? हाँ सर। तुम जानते हो उसे? मुझसे क्यों पूछ रहे सर? ये शॉट बढ़िया खेलता है यार तू। टूर्नामेंट प्लेयर है क्या तू? अपने एरिया में बहुत सारे टूर्नामेंट जीते हैं मैंने, एक नंबर का। बहुत बढ़िया, ये गेम खत्म कर दे यार।
सतीश को बचपन से जानता हूँ, बहुत अच्छा लड़का है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम दोनों हमेशा साथ रहे, वो इतना हिम्मत वाला हो ही नहीं सकता। और रविशंकर उसका नाम नहीं है, लड़का अच्छा है, बेवजह में आप लोगों ने गलती से उठा लिया। यहाँ पे भगाना चाहते हो क्या तुम्हें? ये कोई क्लब हाउस है क्या? समझ में नहीं आता तुम्हें? अरे क्या भाई, नया फ्रेंड है ना, दोस्ती बढ़ा रहे थे, मेरी बात तुम लोगों की समझ में आती ही नहीं। हा? हा? अब तुम्हें नया दोस्त मिल गया है ना, उसी के पास जाकर रहो। चलो हटो, हट, देख लूंगा सबको। तेरे को दिमाग नहीं है क्या रे? तू जाके वहां बैठ, इसको पानी दे। ए, होता है होता है, टेंशन मत ले। सॉरी, कोई मरहम है क्या? दयाल, ए दयाल सुनना। क्या हुआ यार? अरे कितनी मुसीबत में हूँ पता है तुम्हें? ऑफिस में पुलिस को भेज देंगे। नई नई शादी हुई है, घर में पुलिस आएगी तो कितनी बदनामी होगी पता है ना? मजाक कर रहे हो तुम लोग, उससे दोस्ती कर रहे हो? ए, हम तुझे भूल जाएंगे क्या? तू हमारा इतना पुराना फ्रेंड है, वो तो कल आया यार। कैसी बातें कर रहा है तू? पहले तो आंसू पोंछ, कुछ भी हो जाए हम तेरा साथ नहीं छोड़ने वाले। अंदर चल और भाई की तरह पेश आना। चल, रोना धोना बंद कर। चल, अरे जाना तू। नमिता ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया, वो लड़की अगर आपसे प्यार करेगी तो आप क्या करोगे? हाँ, ऑफिस टेंशन। ओ सतीश, भैया तुमसे बात कर रहे हैं। सॉरी सर। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ऐसा होता है, ऑफिस की टेंशन है तो चलेगा। अभी अभी ज्वाइन किया है तो ऑफिस का प्रेशर होना तो बड़ी लाजमी सी बात है। इन मैनेजर लोगों को घर में बीवियां बहुत डांटती है और ये आके वो गुस्सा ऑफिस पे निकालते हैं। सतीश। सतीश सर, अगर तुम इस जॉब में कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम मेरे ऑफिस में आकर मेरे साथ पार्टनरशिप कर सकते हो। क्या कहा आपने? मेरा ये मतलब है कि अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मेरे साथ पार्टनरशिप कर सकते हो ज्वाइंट में। मुझे तो लग रहा है कि ये मेडिकल फील्ड को जरूर जानता होगा। अरे पहचान वाला, बात कर ले। तेरे मैनेजर को पता है फील्ड में ऐसा कोई नहीं जिसे मैं जानता नहीं। तेरे ऑफिस में से ही कोई हो सकता है। थैंक्स। सतीश, कहां से मिल गया ये? दिमाग नहीं है इसके। सर। हाँ अंदर आओ। पिच्चूमणि ने क्या बोला? पिच्चूमणि? पिच्चूमणि से सीधे डील मत करना वरना वो तुझे फंसाकर भाग जाएगा। एक्सपायरी दवा के बारे में पूछ रहा था। तो तू गोडाउन चला जाओ, सारी एक्सपायरी मेडिसिन को मैं जहां बोलता हूं वहां जाके डिलीवर कर दे। अगर तू रविशंकर सर से मिलता है तो उनसे कहना कि तू अपनी कंपनी से आ रहा है। ओके सर। अरे मैं जो बोल रहा हूं वो करना, जा। शेखर, मैनेजर ने सारी एक्सपायरी दवा रविशंकर के गोडाउन में ले जाने के लिए कहा। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ। भाई हाँ। एक्सपायरी दवा गाड़ी में चढ़ाओ। ठीक है ठीक है, ला 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 जल्दी रखो 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 रखो, साइड में साइड में। क्या हुआ सर? चलो उतरो। ए सारे पेपर निकाल जल्दी। सर गाड़ी रविशंकर के गोडाउन में जा रही है सर। ऐसा क्या? चल ठीक है, जा जा। अरे गाड़ी को तुम ऐसे जाने दे रहे हो? गोडाउन जा रही गाड़ी। रविशंकर का है, जाने दो जाने दो। चलो जाओ जाओ। हफ्ता तो बराबर आ रहा है ना? हर महीने आ जाता है बराबर सर, तभी तो गाड़ी छोड़ रहे हैं। कौन है रे तू, ऐसे क्यों गुजरा है? भाई भाई अपना ही आदमी है, मेडिसिन लेकर आया है, फर्स्ट टाइम आया। जा अंदर जा। क्या भी बहुत बिजी लग रहा है। बस शेखर, बार बार मिल रहा है तू। ये लड़का कौन है, नया क्या? मेडिकल रैप है, उसकी कंपनी से दवा लेकर आ रहा है। रविशंकर भाई किधर है? मिले हुए काफी दिन हो गए उनसे। क्या बोलो यार, एक गोडाउन हो तो ठीक है, हर एरिया में ओपन करके रखा है, सब कुछ संभालना पड़ता है, बहुत बिजी हूँ यार।
जरा बराबर तो ध्यान दो। लोकल काउंसलर की बात सुना करो, तभी वो भी तुम्हारी बात सुनेंगे। अभी हम खुद लोगों को सामने आकर मांगना पड़ेगा। बिजनेस क्या हो गया तो हमको भूल गए तुम लोगों का ध्यान तो रखो। रविशंकर को बोल देना अच्छे से। आप लोग चिंता मत करो, पैसा आ जाएगा। चिंता नहीं करना, पैसा कब आएगा। पुलिस से पूरी सेटिंग हो चुकी है। पुलिस से क्या सेटिंग हो गई तो हमको भूल गए तुम लोग। वो देखो लो पैसे आ गए। ये पैसे काउंसलर को दे देना। ए कौन है तू? माल लेकर आया हूँ गाड़ी में। मेडिसिन लेकर आया हूँ गाड़ी में। हाँ हाँ, ए गाड़ी में से माल उतार लो, इधर आने का नहीं, चलो जाओ यहाँ से, जाओ। नहीं पुलिस आई लगता है। रविशंकर का नाम लेने के बाद ही छोड़ा। बहुत दिमाग खराब किया है साहब। पहले कहा था साहब, वो तो फोन कर देना। ठीक है साहब, संभल के रहना। क्या देख रहा है? कोई नहीं पहचान सकता, बिल्कुल ओरिजिनल है। तुमने क्या बोला है? ये क्या है? वो लिपस्टिक का दाग है ना? क्या? तुम्हें मुझसे कोई बेटर मिल गई है ना? तुमसे मिलने के लिए मैं अपने भाई को भी लाई थी, पर तुमने उन्हें अवॉइड किया। कितनी बार कॉल किया पर उठाया ही नहीं, मैसेजेस किए पर रिप्लाई नहीं किया। सुनो, मुझे पता है तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो। मैं लता की तरह झूठ नहीं कहूंगी, सच में सुसाइड कर लूंगी। मरूंगा पागल बेवकूफ। जब से आई हो बड़बड़ किए जा रही हो। तुम्हें तो पता मेरी लाइफ में क्या चल रहा है? मार के मेरा चेहरा खराब कर दिया और तुम्हें लिपस्टिक का दाग लग रहा है? तुम्हें बस अपने भाई का अवॉइड करना दिख गया, लेकिन मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है इससे क्या तुम्हें, है ना पागल कहीं की। सॉरी। अरे देखो मैं नहीं देखूंगा। मैं जानती हूँ सतीश, तुम बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, कितनी टेंशन है तुम्हें, पर टेंशन तो हर जॉब में होती है ना। मार्केटिंग बहुत मुश्किल काम है, मैं भी टेली मार्केटिंग में थी। मंथली टारगेट होता है, बहुत प्रेशर होता है, लेकिन हमें उसे हैंडल करना आना चाहिए, वरना जॉब छोड़ देनी चाहिए। ठीक है ना? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मैं तुम्हारे लिए रेलवे स्टेशन पर 10 बजे इंतजार करूंगी। कल का दिन बहुत खास है, मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ठीक है सुन लिया, घर जाओ आप, जाओ। उसने बहुत से गुंडों को पाल कर रखा है। मेरी आंखों के सामने उसे मारकर घसीट कर ले जा रहे थे और सब वहां ऐसे खड़े थे जैसे डेली ये सब कुछ होता है। पुलिस कुछ नहीं करती क्या? पुलिस उन्हें खुद हवाले करके पैसे लेकर जा रही थी। मुझे डर है, जैसे मैंने सोचा था ये मामला उतना साधारण नहीं है। अगर मैंने दयालन के बारे में वहां बताया होता तो मुझे वहीं मार डालते। ए, रविशंकर से दुश्मनी लेंगे तो कुछ नहीं होगा, सीधे दयाल से पंगा लेते। अरे दयाल कहां, इसको कुछ नहीं पता है यार, क्या बोल रहा है। अरे उसका नंबर है ना हमारे पास, माल मिल गया ऐसा कहकर उसे बाहर ला सकते हैं, ठीक है ना? गलत है, बड़े लोगों की दवा तो चलेगा, लेकिन बच्चों की दवा भी डुप्लीकेट बना रहे हैं यार। अगर हमारे घर का कोई बच्चा उस दवा को खा ले तो भी हम चुप बैठेंगे क्या? मैं इस फील्ड में, इसलिए मुझे पता है कि ये कितना बड़ा गुनाह है। मैं लोगों को ऐसे नहीं छोड़ूंगा। ए, पहले अपने बारे में सोच, फिर दूसरों के बारे में सोचना। सुन यार, हम लोग मिडिल क्लास वाले लोग हैं, गलत होते देख कर गुस्सा कर सकते हैं लेकिन लड़ नहीं सकते। अरे ये तू क्या क्लास बोले जा रहा है? समस्या के सामने जो खड़ा होता है ना, वो छोटा होकर भी बहुत बड़ा कहलाता है। इसलिए पैसे को लेकर लो क्लास हाई क्लास मत करो तुम। तो तूने क्या करने के लिए सोचा है? रविशंकर को उठाने वाला। क्या कह रहा है तू?
रविशंकर बच्चा है जो उठा लेगा, उसे पॉलिटिशियन और पुलिस का सपोर्ट है, तू ही तो कह रहा था। रविशंकर को उठाने का मतलब है मौत के मुंह में कूद जाना। अगर हम उसको उठाने जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, वो हमें ढूंढते हमारे पास आए तो। पर कैसे आएगा? चेन्नई में कचरे की खान में गोनी में भरी हुई एक्सपायरी दवाओं की बॉटल्स और टैबलेट मिलने से चारों ओर हलचल सी मच गई है। वहाँ की आम जनता ने पुलिस को खबर की तो पुलिस ने सारी दवाइयाँ अपनी कस्टडी में ले ली हैं। और इसके बारे में हाई पुलिस ऑफिसर ने हमारे चैनल को कुछ बातें बताई हैं। आइए सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। पुलिस इस गैंग के लीडर तक लगभग पहुँच चुकी है। पुलिस की कड़ी कार्रवाई से हमने उस नकली दवा बनाने वाले गैंग को पकड़ लिया। पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द उस गैंग को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस के हाथ कुछ सबूत भी लगे हैं। पुलिस का कहना है कि उसी के सहारे वो उन तक पहुंच पाएंगे। अगर मैंने किया होगा तो वो लोग मुझे अब तक ढूंढना शुरू कर चुके होंगे। सतीश का दोस्त है ना तू? सतीश कहाँ है? कंपनी के गोडाउन में गया। गोडाउन कहाँ है? गोडाउन वो आडियार ब्रिज के पास जो मंदिर है ना, वहाँ अच्छा। से सेकंड लेफ्ट में जाओगे तो वहाँ अच्छा। गली है, उसी गली के राइट साइड। चल भाई चल। हाँ यार सुन, जैसा तूने कहा था वो लोग आए थे, वो लोग गोडाउन की तरफ गए हैं। अरे दर्द हो रहा है यार, ठीक से ड्रेसिंग करना भाई। अरे ठीक से कर रहा हूँ, करने दे। यहाँ सबके सब नशेड़ी हैं क्या? दो मिनट रुक जा। बहुत चोट लगी है नाक पे, यहाँ नाक पे देखना देखना, ये बार बहुत जोर से मारा भाई, बहुत जोर से मारा। लगता है उसके घर से फोन है, ले बात कर। भाई ये उसके घर से नहीं है, उसके गर्लफ्रेंड का है। एक मिनट। हेलो। हेलो हाँ बोलो, मैं बात कर रहा हूँ। करी कारण? वो नहीं है क्या? नहीं, वो तो अभी पास की दुकान तक गया है। उसने कहा था कि वो आएगा, मैं वेट कर रही हूँ। पूछने के लिए फोन किया था कि वो आ रहा है या नहीं। अगर आने के लिए बोला है तो जरूर आएगा। वेट करो, थोड़ी देर में आ ही जाएगा। दुकान तक क्या है, आता ही होगा, ठीक है ना? वेट करो। कितने बजे बोला था? 10 बजे। 10 बजे। एक मिनट रुको। भाई सतीश ने कब आने के लिए बोला? 10 बजे। 10 बजे क्या? थैंक यू भाई। हाँ बोला तो 10 बजे ही था, वो आ जाएगा। वो क्या हुआ, अचानक मैनेजर ने फोन करके बुला लिया ना, तो इसलिए निकल गया है वो। आ जाएगा वो। अभी तो तुमने कहा कि वो दुकान तक गया है। हाँ हाँ, दुकान जाएगा, एक सिगरेट पिएगा, फिर वहाँ से ऑफिस। वो सिगरेट भी पीता है? नहीं सिगरेट नहीं पीता है, कभी कभी पी लेता है। तुम टेंशन मत लो, जैसे वो आएगा ना मैं फोन करवाता हूँ। ओके बाय बाय। फ्रेंड की लवर है इसलिए बहन मानकर बात करता हूँ, पता नहीं कितने सवाल करती है। मुझे राउंड अप कर लिया है, मैं अभी तुरंत निकलता हूँ, तू भी आ जा। उसे राउंड अप कर लिया है यार। कहाँ पर? कितना गंदा रिंगटोन है, उठा लूं क्या फोन? लो वापस किया। हेलो। हेलो। हाँ बोलो। वो अब तक आया नहीं क्या? अरे आ जाएगा, परेशान क्यों? 10:30 तक आ जाएगा, ऐसा कहा था ना? मैंने कहा था। हाँ मैंने कहा था। कितने बजे आएगा? अरे आ जाएगा ना, 10:30 तक आ जाएगा। कहीं पास में खड़ा होकर कहने के लिए तो नहीं कह रहा? अरे क्या तुम भी मेरे पास नहीं है, सच बोल रहा हूँ मैं। वो कब तक आएगा? अरे आ जाएगा, परेशान मत हो, पक्का मिलेगा तुमसे। उसे कह देना कि अगर वो नहीं आया तो मैं ट्रेन के सामने कूद जाऊंगी। अरे पागल हो गई हो, आ जाएगा, क्यों परेशान हो रही हो तुम? अरे आ जाएगा, जान देने की जरूरत नहीं है उसके लिए। जान दे देंगे, जा देंगे लड़कियां भी ना, क्या कसम से।
मेरे एरिया में आएगा तो कॉल करना। मेरा नंबर है क्या देख लो। तुम भी आना, भागना नहीं है। बहुत काम बोल। मेडिसिन लेकर मैं ऑफिस में चला जाता हूँ, इन लड़कों को साथ कराना, ठीक है? बस उससे पूछना पड़ेगा एक बार। उसके साथ इतने लोग क्यों आ रहे हैं? डील तो तुझसे थी, ये लोग किस लिए आए हैं? लगता है कि तू मुझसे बदला लेने के लिए सबको साथ लेकर आया है। क्या भाई आप भी कितने टेंशन में आई है? शादी हो गई, हनीमून पे नहीं गए, सब तेरी वजह से। ए, रुक जरा, तू मेरा फ्रेंड है या फिर उसका फ्रेंड है तू? क्या बच्चे की तरह पूछ रहा है? थोड़ी देर पहले मिला हूं, लेकिन दोस्त दोस्त होता है, उससे भी दोस्ती हो गई यार। बिरयानी लाकर खिलाया मुझे। चुप कर नहीं तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। देखो मैं अभी बोल रहा हूं, मैं रविशंकर नहीं हूं, ये तुझे नहीं मुझे मारने के लिए आए। ये लोग रविशंकर के आदमी हैं। रविशंकर को बाहर निकालने के लिए मेरा प्लान है। मैंने बस एक गलती की, पता है ना, ये फोन बस ये लेकर गलती की। और मेरा माल? वो रविशंकर से पूछना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं, माल कस्टम में फंस गया तो उसे निकालने में टाइम तो लगेगा ना। टाइम लगता है। आप चेंज दे दीजिए ना। शायद सुबह जब मैं वहां बिस्किट निकाल रहा था उसी दुकान में भूल गया। आईफोन लेने वाला वापस थोड़ी ना करेगा। नहीं यार, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करेंगे तो IMI नंबर से ढूंढ सकते हैं ना। अरे वैसे अच्छा ही हुआ, मैं खुद उस सिम कार्ड को गुमाना चाहता था, अच्छा हुआ खुद ही गुम गया। वैसे क्या है कि बच्चों की दवाई और हार्ट पेशेंट की दवाई की आजकल बहुत डिमांड है। अगर उसे इजली बाहर निकालना है तो सतीश को पकड़ना ही होगा। अरे नमिता का फ्रेंड है, तू जाकर उससे बात कर। मैं मिला हूँ लेकिन काम होने जैसा नहीं लग रहा है। नमिता ने फोन किया था, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, मैं जाकर बात करता हूँ उससे। खुद को बहुत होशियार समझता है तू। इतना बड़ा बिजनेस डेवलप किया मैंने और तू एक दिन में बंद करवा देगा उसे? यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की है पता है तुझे? जब तू उस दिन मुझसे मिला था तो बात करनी चाहिए थी ना इस बारे में। ए, देखो तुम रविशंकर हो, मुझे नहीं पता था, अगर होता तो उसी दिन तुम्हें सब बता देता। सारी प्रॉब्लम्स की जड़ ये फोन है। जब ये उठाया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, लेकिन जब वापस करने गया तो सारी प्रॉब्लम हो गई। ये लोग मुझे तुम समझकर मेरी फैमिली को टॉर्चर कर रहे हैं, तुम्हें बाहर निकालने के लिए मैंने ये प्लान किया। सबके साथ मिलकर तू ड्रामा कर रहा है। इस प्रॉब्लम को और बड़ा मत करो, सच को कबूल कर लो। मैं सच कबूल करूंगा। ठीक है, मत कबूल करो तो भी चलेगा, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, हम लोग देख लेंगे। ए, पकड़ो उसे। ए, तू मेरे भाई को मारेगा, मशीन गन लेकर आता हूँ। रुको रुको रुको, क्या कर रहा है? Hey, मार उसको। अरे क्या कर रहा है? अरे मैं तेरा वीर हूँ भाई, मैं निकल लेता हूँ। पागल लोग आपस में झगड़ा करके लगता है मर जाएंगे। मैं निकल जाता हूं यहां से। अच्छा
ओके ना, निकाल कर देगा ना, गॉड प्रॉमिस, माँ की कसम, थैंक्स यार, सुपर यार, टेंशन मत लो, मेरा दोस्त कस्टम में, निकाल के मैं दूंगा। हाँ सर, इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हैं, उनके बाहर निकलने से पहले इसे टीवी पर दिखाइए। हाँ, हम लोग जरूर हाँ, दिखाएंगे। हाँ। इसमें पुलिस और मैनेजर दोनों शामिल हैं, अगर मैं फंसूंगा तो सब फंसेंगे। ये तो ऐसे चिल्ला रहे जैसे बिच्छू ने काट लिया इसको। किसको छोड़ दिया? उसके बाहर आने से पहले वो मेरा साला बन जाएगा। ए, क्या बोल रहा तू? अरे वो नमिता का भाई है। क्या, नमिता का भाई है? देखने में तो चाचा लगता है उसका। अरे नमिता का फोन आया था, वो बार बार कॉल कर रही है यार। वो क्यों? वो तेरा वेट कर रही है, अगर तू नहीं गया तो सुसाइड कर लेगी भाई। अब बता रहे तू ये बात? अरे वो करेगी नहीं, बस ऐसे डरा रही थी। पागल है, कुछ भी कर सकती है। हो भाई, क्या, हटो 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 हटो, कोई लड़की रोना शुरू कर दे तो सब लोग तमाशा देखते हैं। जाओ 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 भाई, अभी मरी नहीं है लेकिन तू उस पे मर गया। अनीता, अब वो रास्ते में ट्रैफिक बंद। चाटा भी दिया, गिफ्ट भी दिया, कमाल की लड़की है यार। हे हे, देख खोल इसमें कुछ बच रहा है, देख देख देख। अरे फोन है यार। हे, बात कर बात कर। हेलो, कितनी देर से वेट कर रही थी? ट्रैफिक का रास्ते में। मेरे बर्थडे के दिन में तुमने मुझे वेट करवाया। क्या था बर्थडे? वो भी तुम्हें याद नहीं था ना? अरे मेरे बर्थडे के दिन तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर बैठी थी मैं। हम मंदिर गई थी क्या जान? मंदिर कैसे जा सकती हूं मैं, लेकर चलता हूं। 12 बजे कौन सा मंदिर खुला रहता है? मैं रुक जाओ, तुम्हारे साथ जाने के लिए सुबह से वेट कर रही हूं। मेरी बात तो सुनो, बाकी कपल्स कैसे रहते हैं पता है तुम्हें? अरे तोड़ना नहीं, तुम्हें तो मेरी फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं है। फोन जिसने बनाया ना, अगर वो मेरे हाथ लग गया तो मौत डालूं उसे। आ रहा हूं, हेलो, एक मिनट, बाइक पे चलते हैं। कोई बात नहीं सुनी तुम्हारी।